अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा स्टूडेंट जी जी लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि हमारी ईद के बाद पहली क्लास थी जो पेशेंट सेफ्टी की थी, तो मैम हमारे आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे उनको यही था कि हमारी शाम को क्लास होगी, क्योंकि LMS के मुताबिक वहाँ पे 6:30 लिखा हुआ था। तो मैम हमें नहीं पता था कि 12:30 क्लास है, तो हमारी काफी स्टूडेंट्स की, मेजोरिटी स्टूडेंट्स की मिस हो गई थी क्लास। तो मैम काइंडली हमारी अटेंडेंस लगा दें, आपने सबकी उनकी मार्क एबसेंट की हुई है। हाँ, क्योंकि आप लोग एब्सेंट ही थे सारे और टाइम का तो मुझे मैम हम लोगों को 6:30 का था, बाद में जब हमने चेक किया तो तब पता लगा कि आपकी क्लास हो गई हुई है 12:30 बजे, क्योंकि मैम कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि LMS पे 6:30 लिखा आया था। तो मैम काइंडली प्लीज लगा दें हमारी अटेंडेंस पिछली क्लास की। सर मैं कोई एक्स्ट्रा लेक्चर एडिटर के पर लगा दूं जिसकी अटेंडेंस यही हो सकता है, वहीं पर कॉम्पनसेट होगी क्योंकि पिछली अटेंडेंस तो एडिट इस तरह नहीं हो सकती। अच्छा कोई स्टूडेंट्स का जो है वो क्लैश वाला मसला आ रहा है, तो बेटा क्लैश का ये है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, सीधी सी जो बात है। पेशेंट सेफ्टी 1 की क्लास 4th स्लॉट पे ट्यूसडे को हुआ करेगी, ठीक है। अब जिन बच्चों के क्लैशेस का मसला है, आप अपने जो दूसरे रिसोर्स पर्सन हैं आप उनके साथ डिस्कस करें, और ये आप कर सकते हैं कि आप अगर उनके दो दो सेक्शन हैं या तीन तीन सेक्शन हैं आप उन्हें सेक्शन चेंज कर लें, ठीक है। क्योंकि इस क्लास में सिर्फ किसी एक डिसिप्लिन के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, ना सिर्फ DPT के हैं ना किसी और के हैं, ठीक है, मिक्स बच्चे हैं, सारे डिफरेंट डिसिप्लिन के हैं, इस तरह तो हर बच्चे का क्लैश आएगा, ठीक है। और जब मैंने भी आप लोगों से पूछा था कि मुझे अपनी मर्जी का वीक में से सैटरडे के अलावा कोई टाइम बता दें जिसमें आप लोग मिलेंगे क्लास लेने के लिए, आप लोगों के स्लॉट्स फ्री हैं, तो उस टाइम भी मुझे बच्चों की ईमेल्स आई थी कि नहीं हम मतलब हमारा ये वाला टाइम रहने दें, मतलब और अगर कोई टाइम रखेंगे तो हमारे पास क्लैश आएगा, ठीक है। तो मैं तो इसके बीच में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग खुद ही एग्री नहीं कर रहे हो कि आप लोगों ने किस टाइम पे क्लास लेनी है। अगर 4th स्लॉट पे नहीं लेनी थी तो आप लोगों को चाहिए कि मुझे खुद बता दो, लेकिन उस पर भी आप लोगों का कोई जो है ना वो एक नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि मैं कहूँगी तो फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं इस पर भी नहीं हमारा टाइम सेट हो रहा और उस पर भी नहीं हो रहा। इवनिंग में अगर आप लोग चाहते हैं कि 6:30 पे क्लास हो जाए, जैसे ट्यूसडे को 6:30 पे हो जाए, तो वो की जा सकती है। मैम अब तो ट्यूसडे को भी 6:30 में हमारी क्लास आ गई है SCP 2 की, तो अब मैं अब रात को 10 बजे तो क्लास लेने से रही, या अगर लेनी है तो मुझे बता दो मैं ले लेती हूँ। आप लोग चाह रहे हो कि मैं हफ्ते में जो है 6 दिन मैं पेशेंट सेफ्टी पढ़ाती रहूँ आप लोगों को, 2 दिन जो दो बच्चों को पढ़ा दूँ अगले दिन, तो मैम आप फ्राइडे को ले सकती हैं 6:30 पे। मैम SCP 2 की सिर्फ ट्यूजडे और फ्राइडे को 6:30 बजे क्लास होती है, वरना आप बाकी दिनों में नहीं होती। तो अगर आप किसी और दिन ट्यूजडे फ्राइडे के अलावा क्लास रख लें, हमारी वेडनेसडे सैटरडे रख लें या कोई मंडे थर्सडे रख लें, यस मैम, मैम उस वक्त हमारी कोई क्लास नहीं होती, तो उस वक्त सर बिलिंग हो जाएगी, 6:30 बजे किसी की क्लास नहीं होती, सिर्फ ट्यूजडे फ्राइडे को ना SCP 2 की क्लास स्टार्ट होगी। ट्यूजडे फ्राइडे को SCP 2 मंडे को रख लूँ अगर, तो यस मैम मंडे थर्सडे रख लूँ, ठीक है मंडे 6:30। अब मेरे पास यहाँ पे 67 स्टूडेंट्स जो हैं वो शोर हैं, ठीक है, 66, ठीक है, एक तो मैं खुद हूँ। तो अब इन 66 स्टूडेंट्स में से जो बच्चे सुन रहे हैं, अगर नहीं भी सुन रहे तो काइंडली थोड़ी देर के लिए सुन लें और मुझे ये बता दें कि मंडे को 6:30 का टाइम सबको सूट कर रहा है, सबका ठीक है? नहीं मैम, मेरी उस टाइम कोई क्लास नहीं होती। जो बच्चे बिलिंग है वो अपने हैंड रेस कर दें, मुझे उधर से आईडिया हो जाएगा, इस तरह तो आप मैं देखती हूँ कितनी मेजोरिटी है। मंडे को 6:30 पर अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम एक्चुअली मेरी इंटर्नशिप है तो मैं शाम को 6:30 बजे क्लास नहीं ले सकती। मतलब इंटर्नशिप तो आपकी अब यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है ना, बीच में यूनिवर्सिटी ने तो नहीं ना आपको भी कहा गया आप इंटर्नशिप कर लो जाके। अब आपकी क्लासेस तो आपकी इंटर्नशिप की टाइमिंग इस तरह, तो फिर आप जॉब भी कर सकते हो। आप कल को कह दो कि मैं तो जॉब कर रही हूँ तो मेरी क्लास जो है आप शाम को ले लिया करें, रात को ले लिया करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यह है ऐसा पॉसिबल तो मुझे बता दें।
मैम हमारे क्लास होती है सर मंडे को 6:30 क्लास होती है। चलें जी, मंडे भी कैंसिल हो गया है, ट्यूसडे भी कैंसिल हो गया है, फ्राइडे भी कैंसिल हो गया है, ठीक है, और सैटरडे भी कैंसिल है, सैटरडे को मैं क्लास नहीं ले सकती। मैम यहाँ पे जूनियर्स भी है ना हमारे जो SCP-1 पढ़ रहे हैं, तो SCP-1 की होगी मंडे थर्सडे, क्योंकि SCP-2 की क्लास तो सिर्फ ट्यूसडे फ्राइडे को होती है 6:30 बजे, तो फिर SCP-1 की बात कर रहे होंगे ये लोग। वही मैम मंडे थर्सडे को 12:30 पे नहीं हम रख सकते अगर पॉसिबल है तो? नो मैम, उस टाइम पे फार्मा की क्लास होती है मैम, यही टाइमिंग सही है। वीक डेज में जो है, वीक डेज में आपके 5th, 4th, 5th, 6th स्लॉट तक तो कोई चांस नहीं है मेरा ख्याल है किसी के पास भी, क्योंकि वीक डेज में मैं कोई भी टाइम कहूंगी तो सबके को ना को लेक्चर होंगे, ठीक है, तो टाइम आप आपके पास आखिरी स्लॉट पे 6:30 वाली रह जाती है, ठीक है, उसी पे क्लास हो सकती है जिसपे मेरा ख्याल है कि किसी दिन मेजोरिटी फ्री हो, ठीक है, और उसके अलावा जो टाइम है एक वो यही वाला है। अब अपने हैंड जो आप लोगों ने रेस किया मैं इनको आप लोग वापस कर लें डाउन, और इसमें से आप देख लें कि अब मेरे पास इस टाइम यानी अगर 78 स्टूडेंट्स हो गए थे और उसमें से सिर्फ 24 बच्चों ने अपने जो है वो हैंड रेस किया हुआ था, तब 24 बच्चों की क्लास जो है वो मैं आप एक टाइम पे ले लूँ और बाकी सबकी एक टाइम पे लूँ, उतना करूँ मैं अब या मैं क्या करूँ? मैम जो ये टाइम है यही टाइम ठीक है। मैम मैं आपको बताती हूँ, आपको जो सूट लगता है ना मैम आप लोगों को बताया है कि मुझे सैटरडे के अलावा, सैटरडे के दिन के अलावा, ठीक है, सैटरडे मेरा ऑफ होता है, मैं सैटरडे को क्लास नहीं लूंगी, संडे को क्लास नहीं लूंगी, ठीक है, मंडे से लेकर थर्सडे तक फ्राइडे तक आप लोग मुझे 6:30 वाली स्लॉट में बता सकते हैं, क्योंकि 6:30 के अलावा अगर किसी स्लॉट में, एक मिनट, 6:30 के अलावा अगर किसी स्लॉट में रखते हैं ना क्लास तो वो ये है कि वो सबका कहीं ना कहीं क्लैश आएगा, क्योंकि दिन में सभी क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्लास होगा। वेडनेसडे को SCP की क्लास होती है, आप वो आपको एडजस्ट करें, अब हमने कहीं वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, इसकी तो एक क्लास भी नहीं हुई। सर अफनान से बात हुई थी, सर अफनान कह रहे हैं कि अगर किसी का क्लैश आता है तो वो किसी एक टीचर से बोल के तो अपना टाइम एडजस्ट करवाए, तो आप लोग बोल लो इधर तो देखो ना जूनियर भी है, यहां पे हमारी थर्ड क्लास आ गई हुई है, उसकी तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है SAP, वो तो सर कर सकते हैं एडजस्ट। हाँ कर सकते हैं, और यहाँ पे तो सारे मिक्स इस क्लास के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट बैचेस के और डिफरेंट डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, तो सबके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आई थिंक किसी पर्टिकुलरली जिस ग्रुप को बच्चों को प्रॉब्लम है सब लोग वो उस पर्टिकुलर टीचर से बात कर ले, क्योंकि फिर सबके लिए सर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के सब सेक्शंस की एक ही टाइमिंग है, तो हम किसी भी इस सेक्शन के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी सेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि सबकी टाइमिंग एक जैसी है। हाँ यही मसला है ना मैम, सेक्शन चेंज करवा देंगे होगा ना, क्लैश तो मैम आना ही आना है, ठीक है, आप आज पे करेंगे वेडनेसडे का करेंगे किसी को वेडनेसडे पे क्लैश आ जाएगा, अब जैसे चल रहा है मैम चलने दे, अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना मैम, हम कैसे अभी इतने सारे टाइमिंग में हम कैसे अब इंग्लिश की हमारी क्लास चल रही है, आज हमारी उधर एब्सेंट लगेगी, आप अपनी इंग्लिश टीचर से बात करके देखो क्या पता वो मान जाए। मैम वो एक बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है, वो मैम कहती हैं जो अब मैंने आपके इतने ज्यादा लेक्चर्स पढ़ा लिए हैं तो आप जिनके भी स्टार्टिंग है उनसे बात करो, अब जैसे मैम SCP है वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, वो तो कर सकती हैं जस्ट, मगर उनका हमारे आपके साथ क्लैश नहीं है, अब जिनका SCP का क्लैश आ रहा है वो कर लें एडजस्ट तो हमारा सबका एडजस्ट हो जाएगा काम। अली रजा बहुत अच्छे हैं, वो हम अभी पढ़ाते हैं मगर वो कर लेंगे, उन्होंने तो आज सुबह भी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ काम किया है इस तरह का। यस मैम वो सुन लेंगे सर, सुन लेंगे हमारी शायद, अगर देखिए सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने, आप लोगों ने एक दूसरे के व्यूज भी सुन लिए, ठीक है, ऐसा ही है ना कि क्या करना चाहिए, मैं अपना मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे कोई इशू नहीं है, मैं बाकी टाइम में इसलिए क्लास नहीं ले सकती क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर मैं आप लोगों को ये कह देती हूँ कि चले हम वेंसडे को 12:30 क्लास ले लेते हैं तो कल भी बच्चों के मसले आएंगे, ठीक है, तो वीक डेज में और दिन में तो मसले आएंगे, आखिरी स्लॉट एक बचती है आप लोगों के पास जिसमें अब आपकी SCP एडजस्ट हुई है, ठीक है, तो अब यही हो सकता है कि आप लोग अपने SCP वाले टीचर से बात कर लें,
कि वो आप लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें, ठीक है, अपनी क्लास थोड़ी पहले ले लें, थोड़ी बाद में ले लें, जिस भी टाइम पे बोले उनको सूटेबल है मैम बोले। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैं आपसे पूछा जा रही थी कि अगर हम 8 बजे क्लास रख लें तो शायद इनका क्लैश रुक जाए जिनका 6:30 बजे क्लैश है रात को, अगर पॉसिबल है। यस मैम, अगर पॉसिबल है यार, हमारे थोड़ा सा तो होता है। नो मैम, रात को 8 बजे कौन क्लास लेगा, सारा दिन की क्लासेस होती हैं, कोई भी नहीं लेगा। मैम हम ग्रुप में ना डिसाइड कर लेते हैं टाइमिंग, जो है वो 1-7 बच्चे जो है ऐसे कभी नहीं होनी, सवेरा ग्रुप में कभी भी नहीं होना, बहुत बच्चे हैं ग्रुप में डिसाइड नहीं होना। यहाँ पे सबने अपनी अपनी माननी है, किसी ने किसी की सुननी नहीं है, और इसी तरह अभी भी यही होगा और आप लोगों के ग्रुप में भी यही होगा। आप लोग अभी ग्रुप में बच्चे कितने हो इस टाइम अपने जो व्हाट्सएप वाला जो भी ग्रुप है, आप लोगों को कितने स्टूडेंट्स उसमें टोटल? मैम 100+ है, 100+ है। अच्छा, क्लास में तो खैर आज तक 100+ नहीं आए, मतलब मैक्सिमम 80s तक ही रहे हैं, ठीक है। तो मैम 139 है, मैम 139 है ग्रुप। मेरे पास LMS पे जो एनरोल है वो 140 समथिंग है, ठीक है। तो लेकिन क्लास में तो 100+ तो मेरा नहीं ख्याल के कभी भी गए हैं, हमेशा 80 तक ही रहे हैं मैक्सिमम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि SCPs का मतलब कि आपका मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो है हर डे में जो है वो SCP है, ऐसे ही है 6:30 पे? मैम वीक में एक मंडे थर्सडे भी है, ट्यूजडे फ्राइडे भी है, ठीक है, और पीछे सैटरडे बेचारा बचता है। और वेंसडे को अभी एक ने बोला है कि वेंसडे को भी क्लास है, अभी है हां जी, वेंसडे को भी होती है, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने क्लास मैम, जिन्होंने वेडनेसडे सैटरडे बोला है ना, उनकी एससीपी का क्लैश नहीं है, उनका किसी और सब्जेक्ट का क्लैश है। कौन सा सब्जेक्ट मैम? एससीपी की क्लासेस सिर्फ फ्राइडे तक हैं, सैटरडे को नहीं है किसी का भी। मैम सैटरडे को एससीपी है मैम, वेडनेसडे को डे टाइमिंग में रख लें आप। मैम सुबह आठ बजे ले सकते हो क्लास मैम, वेडनेसडे को सुबह 8 बजे भी क्लास होती है मैम। क्लास वेडनेसडे वालों की किन जो वेडनेसडे वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी किस टाइमिंग पर क्लास नहीं है वो बता दें मैम। यार सुबह तो कर ले, सैटरडे को एससीपी की कोई क्लास नहीं होती, सारे सेक्शंस की फ्राइडे तक क्लासेस हैं, सैटरडे में कोई टाइमिंग कर ले मैम। सैटरडे मेरा ऑफ होता है मैम, आप वेडनेसडे में कर लें, चाहे इसी टाइमिंग पे कर लें अगर बच्चों का क्लैश नहीं है। मैम वेडनेसडे को आप ऐसे करें कि आप किसी फैकल्टी मेंबर से कंसल्ट करके खुद ही डिसीजन ले लें, क्योंकि हर दिन में बच्चों के क्लैशेस आने हैं, यही टाइम है। मैं ये काम इसलिए नहीं कर रही, कि मैं अगर किसी फैकल्टी मेंबर को अपने साथ तैयार भी कर लेती हूँ कि वो अपने सब्जेक्ट्स की अपनी टाइमिंग मेरे साथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर ले, तो उसके बाद भी आप लोगों ने फिर यही कहना है कि कुछ ना कुछ बच्चे बीच में से कहेंगे, जैसे अभी हो रहा है, मैं तब से यही सुन रही हूँ कि वो बच्चे फिर उठ के कहेंगे कि हमारा यहाँ पे भी क्लैश आ रहा है, तो मैं फिर किस किस से जाके बात करूँ, मुझे आप लोग ये बता दें। मेरा यही ख्याल है टाइमिंग यही रहे, 8-9 बजे बेटा, आप लोगों में से कोई भी विलिंग नहीं होगा क्लास लेने के लिए 2-4 बच्चों के। मैम अगर ये लोग अब विलिंग नहीं है तो फिर ये इन लोगों के टेक पे है ना, लेकिन हमने तो क्लास लेनी है, हम तो 8 बजे लेने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने लेनी है। 8 बजे जो है वो कोई स्लॉट भी नहीं होता ये 8 बजे, तो फिर मैं मतलब एक्स्ट्रा क्लास ही एक तरह से लूंगी, चलो मैं फिर भी ले लूंगी, लेकिन ये कि आप लोगों में से विलिंग नहीं होनी आदि अब हम क्लास लेने के लिए। मैम क्लैश भी नहीं आएगा किसी का, हम कोई सोता तो है नहीं 8 बजे, हमने मोबाइल ही यूज करने होते हैं, तो क्लास ही लेने का मतलब क्लास होना ही सुबह 8 बजे ले ले आप, सुबह 8 बजे है। अच्छा मेरी बात, वेडनेसडे में तो डे टाइमिंग में इतनी क्लासेस नहीं है। अच्छा मेरी बात, वेडनेसडे वाले दिन वेडनेसडे को 8 बजे रात को 8 बजे कितने लोग विलेंगे क्लास लेने के लिए? विलिंगनेस से मुराद ये है कि आप लोग फ्री हैं, विलिंगनेस मतलब आप लोग लेना नहीं चाहते वो कोई रीजन नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताएं कि फ्री हैं कि नहीं है। बुध वाले दिन रात को 8 बजे क्लास होगी, आप लोग लेना नहीं चाहते होंगे वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से ये तो नहीं है ना कि क्लास हम कैंसिल करते हैं, अगले सेमेस्टर में पढ़ लेना पेशेंट सेफ्टी, ठीक है, ऐसे तो हो नहीं सकता। क्या आधी रात को कौन क्लास देता है? जिनका इशू लगता है वो ले लेते हैं बिल्कुल, और ये सिर्फ इसके 10 लेक्चर्स हैं, 10 में से इतना होना, मेरी बात सुनो,
दस में से जो है वो तीन लेक्चर आप लोगों के गुजर गए हैं, पीछे सात लेक्चर रह गए हैं, सात दिन के लिए मेरा ख्याल है कि आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों का बीस की, आप लोगों को भी पता है कि इस सब्जेक्ट की कोई असेसमेंट इस तरह से नहीं होती, सिर्फ आपका फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा इशू किसी के लिए होना चाहिए। अगर ये इशू बनेगा तो फिर ये अब आप लोगों के अपने ऊपर है, फिर मैंने तो टाइम ही चेंज करना, मेरी तरफ से 12:30 रहेगा, जिसने आना जो अटेंड करेगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगा करेगी, उसका सारा कुछ हो जाएगा, जो नहीं आएगा 8:30 वाला फीजिबल नहीं है बिल्कुल भी, यही टाइम सबसे बेहतर है, 8:30 वाला बिल्कुल फीजिबल नहीं है मैम। मैम वेडनेसडे को 6:30 कर ले मैम, ये ठीक है मैम, फिर 8:30 यस मैम, वेडनेसडे को कर ले, 2 बजे कर ले मैम, वेडनेसडे को 2 बजे कर ले, यस मैम 2 बजे कर ले, कोई इशू नहीं था मैम। उस वक्त क्लास नहीं होती, अगर किसी की होती है तो कोई एडजस्ट कर ले, मैम रेडियोलॉजी की क्लास होती है हमारी मैम, 6:30 कर ले वेडनेसडे, ठीक है। मैम आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सर अफनान से ये सारी डिस्कस कर ले और आप फिर खुद ही डिसाइड कर ले, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई इशू होगा, तो आप सर अफनान से सभी क्लासेस के अकॉर्डिंगली बात कर ले खुद ही। सर अफनान से जब मैंने बात की थी सर अफनान से, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप स्टूडेंट से उनका पूछ लें कि क्योंकि ये डिफरेंट, ये बैच, ये वाला जो मतलब मेरे पास सेक्शन है, ये वाला आप लोगों का पेशेंट सेफ्टी का, इसका यही सीन है कि यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन के बच्चे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिग्रीज के बच्चे हैं, तो उनमें से हर किसी का मसला आएगा आएगा, तो इसलिए आप बच्चों से ही डिस्कस कर लें और उनसे ही पूछ लें कि वो किस टाइम पे फ्री हैं, और मैं वही कर रही हूँ, और वो अब मैं देख के परेशान ही हो रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैम जो प्रपोज टाइमिंग्स हैं, मैम जो प्रपोज टाइमिंग्स हैं आप सबसे वो पूछ लें, जितने जिसके ज्यादा वोट्स हैं आप फिर उसी के अकॉर्डिंग। मैं बता देता हूँ प्रपोज टाइमिंग आप लोगों के पास एक तो यही वाली है, ठीक है, ट्यूजडे को 12:30। सेकेंड नंबर पे आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप वेंसडे को ले सकते हो रात को 8 बजे, ये अब आप लोगों के ऊपर है, ये मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लूंगी, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं रखनी, ठीक है। अगर वेंसडे को 6:30 नहीं हो सकती, 6:30 पे एसीपी है कुछ बच्चों की, वेंसडे को 6:30 नहीं हो सकती, ठीक है, बच्चों की एसीपी है, तो ऐसे भी स्टार्ट होगी, तो फिर आप लोगों ने जो है वो इतना कर लेना है कि या तो आप ऐसा करें, मैम भी स्टार्ट हो चुकी है, मैम आज से क्लास स्टार्ट होनी है एसीपी की, मैम आज से क्लास स्टार्ट होनी है पहली एसीपी 2 की, तो मैम वो तो अभी उस वो तो बाद की बात है ना, हम अभी पहले पेशेंट सेफ्टी को डिस्कस करते हैं, अभी जो क्लास स्टार्ट नहीं उसके ऊपर डिस्कशन क्यों हो रही है। आप मैम सुनो, उसी को बेस बना के आप लोग कर रहे हो, ठीक है, आप लोग उसी को बेस बना के डिस्कस करो, खैर पहले टाइम स्लॉट सुन लो, आप लोगों के पास एक तो आज का टाइम है 12:30 का, वेंसडे का टाइम है और रात को 8 बजे का, 6:30 पर नहीं हो सकती, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 6:30 पे रख भी दूंगी तो तब भी आप लोगों ने उठ के मुझे उसी तरह स्क्रीन शॉट्स भेजने हैं कि जी ये हमारा इसके साथ क्लैश है और हमारा उसके साथ क्लैश है, ठीक है। तो इसलिए जो है वेंसडे को रात को 8 बजे क्लास आप लोगों की कहने पर होगी, ठीक है। और उसके अलावा अब आप लोगों के पास वेनसडे वाले दिन में, वेनसडे का जो पूरा दिन है, दिन में अगर आप लोग किसी भी टाइम पर फ्री हो 6:30 के अलावा, जिसमें मेजोरिटी की एसीपी है, मेजोरिटी की या माइनॉरिटी की, तो बुध वाले दिन जो मेरा ख्याल है कि आप में से कुछ लोग फ्री होंगे, मैक्सिमम फ्री होंगे, मैम 2 बजे या फिर 8 बजे, ही दो स्लॉट्स का ऑप्शन दें, या तो 12:30 वाला या वेडनेसडे को 8 PM, इसके अलावा ऑप्शन ना दें क्योंकि उसमें फिर ये दोनों स्लॉट्स ही हैं, बाकी नहीं मानते, ये दोनों स्लॉट्स ही हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अपने हैंड रेस किए हुए हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कि अब यही बच्चे हैंड उन्होंने भी रेस किए हैं, साथ साथ बोल भी वो रहे हैं कि नहीं नहीं वो सही नहीं है टाइम, तो आप लोग मतलब पता नहीं क्या जिसका क्लैश आ रहा है उससे पूछ लें और कितने बच्चों का क्लैश हो सकता है, मैम ना ये सुबह 8 बजे पे मान रहे हैं या ना ये रात 8 बजे पे मान रहे हैं, कौन सा 8 बजे चाहिए, मेरी बात सुन ले, आप लोगों की 8 बजे क्योंकि इनको है कि सुबह हमने सोना है और इनकी कोई क्लास नहीं है मैम, ठीक है, सोए बिल्कुल सोए, मेरी बात सुन ले, हमारी क्लास है वेडनेसडे, अब ये जो आप लोगों की मेरी बात सुन ले, जो आप लोगों की अब ये सारी जो डिस्कशन हुई है ना, ठीक है, एक तो पहली बात ये है कि एक तो ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने ये बात की बाद में कि हमारा क्लैश आ रहा था और मैम ने कहीं पे एडजस्ट नहीं किया, तो ये बात जो है वो किसी तरीके से जो है वो काबिले कबूल नहीं होगी, ठीक है। मैं एडजस्ट करने को तैयार हूँ, अब आप लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, मेरी तरफ से टाइमिंग जो है वो 12:30 ही रहेगी,
ठीक है, ठीक है मैम। अब अगर 12:30 पे जिन बच्चों के मसले आ रहे हैं वो अपने दूसरे टीचर्स के साथ जाके डिस्कस करें और वो अब उनसे बात करें, जिनके एसईपी के मसले हैं ठीक है जी, वो एसईपी वालों से बात करें, जिनके बाकी सब्जेक्ट हैं वो उनसे बात करें। अब ये सारा सारी डिस्कशन आप लोगों के सामने हुई है, पिछले आधे घंटे से हम यही बात कर रहे हैं ठीक है जी। ओके मैम। और ये आप लोगों के सामने ये 12:30 ही रहेगी टाइमिंग। अब बाकी सबसे आप जो दूसरे मैम ठीक है, मैम आप कंफर्म है ना कि हमारा ट्यूसडे को सिर्फ 12:30 हुआ करेगी क्लास? हाँ जी yes. सिर्फ ट्यूसडे को 12:30 बजे तीन क्लासेस हो गई हैं, सात पीछे रह गई हैं ठीक है, तो 10 गुजार लो, 7 दिन yes, जो है ठीक yes, है। थैंक यू मैम। ठीक है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू मैम। टाइमिंग आप लोगों की रहेगी? हां मेरी तरफ से तो डन है, मैं तो पहले भी यही कह रही थी आप लोग चेंज कराना चाह रहे थे। आप खुद ही देख लो ना, रात को बिलिंग को लेने के लिए, ना सुबह बिलिंग को लेने के लिए, ना दोपहर मैम। वैसे भी मैम अगर किसी को इशू होता भी है, मैम अगर किसी को इशू होता भी है 12:30 बजे वाला, वो रिकॉर्डिंग सुन ले बाद में लेक्चर की और वो लेक्चर अपना पढ़ सकता है। हाँ ये ऊपर से जो सबसे बड़ी बात ये है कि सब्जेक्ट भी उस लिहाज से मुश्किल नहीं है कि जिसमें आप लोगों को बार बार क्वेश्चन करने की या बार बार जो है वो किसी उसकी जरूरत पड़े। थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है, बड़ा आसान सा, आप लोगों को मेरा ख्याल है कि मैनेज कर सकते हो। बाकी किसी भी हेल्प की जरूरत चाहिए होगी वो तो मतलब अवेलेबल तो मैं हूँ, आप लोग कर सकते हो। मैम जिनका क्लास है वो आपसे अटेंडेंस पैसे लगवा ले और रिकॉर्डिंग बाद में सुन ले। यस मैम, इनको सिर्फ अटेंडेंस का इशू होगा, वो आप जरा करते हैं। अटेंडेंस का इशू मैं रेंट पे ही देखूंगी, लेकिन ये कोशिश यही करें कि आप लोग क्लास में, क्योंकि अगर इस तरह का सीन हुआ तो फिर तो आप सबकी मुझे ईमेल्स आ जानी कि मैम हम नाइट क्लास नहीं ले सकते, हमारी अटेंडेंस लगा दें। आप लोगों की हरकतें भी तो सब बच्चों की ऐसी हैं। नहीं मैम, आप अटेंडेंस में सिर्फ उन बच्चों की देखूंगी जिनका मुझे लगेगा कि जिनकी देखने की जरूरत है ठीक है। एक मिनट आप लोग जरा वेट करें।
जी अच्छा लेक्चर हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर ले लें हम लोग, ऐसा करेंगे कि तीन लेक्चर्स हम लोगों के हो जाएंगे ठीक है आज वाले टॉपिक को मिला के। तो जो हम लोगों का नेक्स्ट वीक है आप लोगों का, अच्छा हाँ एक और चीज़, जो जो बच्चे यहाँ पे इस टाइम हैं वो लोग सुन लें कि जो नेक्स्ट वीक है आप लोगों का कमिंग वीक में, अच्छा नहीं ठीक है कमिंग वीक में कोई इशू नहीं है, जो 8th डेट का आपका 8 जून का जो आप लोगों का लेक्चर होगा ना वो आप लोगों को उसका जो है मैं एक मेकअप लेक्चर ले लूँगी, 8 जून को आप लोगों की क्लास नहीं होगी ठीक है, नेक्स्ट वीक होनी है 8 जून को नहीं होगी ठीक है जी। मैम आपकी आवाज़ कट रही है, आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि 8 जून को आप लोगों की क्लास नहीं होगी ठीक है, उसके लिए मैं एक मेकअप लेक्चर अरेंज करूँगी तो मैं आप लोगों का फिर वो उस पर कवर कर दूँगी सही है। ओके मैम ओके ये है कि मैं इसकी एक ईमेल भी कर दूंगी आप लोगों को, और कि मेकअप लेक्चर जो है वो कब और किस टाइम अरेंज होगा वो भी, ये सारे हम लोगों के लेक्चर्स खत्म होंगे तो उसके बाद किसी एक दिन में जो है ना वो अरेंज कर दूँगी ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना जो नेक्स्ट वीक वाला लेक्चर होगा ना उसमें हम जो हम लोग ये तीन टॉपिक्स जो आज मिला के हम लोग पढ़ लेंगे ना तो हम इनको एक दफ़ा डिस्कस करेंगे ठीक है, और उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे ताकि जिन बच्चों के जो लेक्चर्स मिस हुए हैं एक दफ़ा उनकी भी थोड़ी सी ज़रा गो थ्रू हो जाएगी, रिविजन हो जाएगी उनकी थोड़ी सी ठीक है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अच्छा जी आज के जो हम लोगों का लेक्चर है वो है बेसिकली जो हम लोगों का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स एंड द इंपैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सबको हल्की आ रही है? नो मैम हमें सही आ रही है। आपके पास ठीक आ रही है? ठीक आ रही है मैम। जिनको हल्की या कम ज्यादा कुछ भी आ रही है तो आप लोग अपने नेटवर्क को एक दफा देखें मैम, सबको अनम्यूट कर दें ताकि वो बोलना शुरू कर दें। म्यूट कर दें सर? नहीं म्यूट तो चले आप लोग खुद ही अपने आप को कर लिया करें, बोलने पे पाबंदी नहीं है, बोल सकते हैं लेकिन सुन भी लिया करें। अच्छा जी आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑन पेशेंट केयर। यानी अब हमने ये सिस्टम्स के बारे में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है, आप लोगों ने किस तरह से उस अप्रोच को अपनी डेली लाइफ में, बल्कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कोशिश क्या करें कि उसको इम्प्लॉय करने की कोशिश क्या करें, कैसे आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलेंगे, बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी ठीक है। अब आज के टॉपिक में हमने बेसिकली देखना है कि आपके पास सिस्टम्स क्या होते हैं ठीक है, सिस्टम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, और उस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम हेल्थ केयर पे बात करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्सिटी का आपकी पेशेंट केयर पे या आपकी हेल्थ केयर पे क्या इम्पैक्ट होता है हमने वो देखना है ठीक है जी। इसमें अब हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये क्या है कि अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम्स थिंकिंग कैन इम्प्रूव हेल्थ केयर एंड मिनिमाइज पेशेंट एडवर्स इवेंट्स। यानी हमने ये देखना है कि जो सिस्टम्स थिंकिंग है या जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो सिस्टम इवेंचुअली फिर आपकी हेल्थ केयर को कैसे इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद जो आपके पेशेंट एडवर्स इवेंट्स हैं वो किस तरह से मिनिमाइज होंगे। अब यही वाली चीज़ें जो है हम पिछले दो लेक्चर्स में भी थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो गोल है बेसिकली पेशेंट केयर पढ़ने का, पेशेंट सेफ्टी पढ़ने का, वो यही है कि हमने पेशेंट एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं, जो इस तरह के कुछ भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनको हमने मिनिमाइज करना है ठीक है। अभी तक हमारा फिलहाल यही गोल चल रहा है। नॉलेज रिक्वायरमेंट इसमें क्या आप लोगों को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम एज दे रिलेट टू हेल्थ केयर। यानी जो आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए उसके हिसाब से वो ये है कि आपको सिस्टम की जो टर्म है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो क्या होता है ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम जब आप हेल्थ केयर से रिलेट करते हो तब आप किसको कहते हो। एक्सप्लेन वाई अ सिस्टम्स अप्रोच टू पेशेंट सेफ्टी सुपीरियर टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, के आपके पास जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है पेशेंट सेफ्टी की वो किस तरह से सुपीरियर है आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी पेशेंट्स को हैंडल करने की उससे ठीक है जी। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिस्क्राइब द टर्म हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द एलिमेंट्स ऑफ अ सेफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यानी आप जो एक टर्म है हमारे पास हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसको HRO कहते हैं, आप उसको डिस्क्राइब करना सीखें और ये बताएं कि द एलिमेंट्स ऑफ अ सेफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो क्या हो सकते हैं ठीक है जी।
अब अगर आप सिस्टम की बात करते हो तो एनी कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंटरेक्टिंग पार्ट्स, यानी आपके पास किसी भी चीज के दो या दो से ज्यादा इंटरेक्टिंग पार्ट्स होंगे तो आपके पास एक सिस्टम बना देंगे, ठीक है। या एक और डेफिनेशन है कि एन इंटरडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल, यानी आपके पास इस तरह के ग्रुप्स हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो आपके पास इकट्ठे होकर एक काम कर रहे हैं और वो इस तरह से आपके पास एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप सपोज करो आप अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल ले लेते हो, यूएमटी की एग्जाम्पल ले लेते हो, तो यहाँ पे बेदहाशा डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जिसमें आप लोगों का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, आप लोगों का एचआर डिपार्टमेंट है, आप लोगों का अगर आप ये फैकल्टी वाली सारी डिपार्टमेंट जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक है, उसमें से आपका जो कैंपस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, डिफरेंट बेतहाशा आप लोगों के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स इकट्ठे होकर एक सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम भी आप लोगों का चलता है। तो इससे हमें क्या चीज़ मिली है कि एन इंटरडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इस तरह के ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल, यानी कि वो आपके पास एक कंप्लीट जो है वो होल बना रहे हैं, यानी आपके पास होल से मुराद यानी सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक सिस्टम की डेफिनेशन होगी कि सिस्टम बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो क्या चीज़ होती है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज अ सिस्टम composed of many components which may interact with each other and together produce results not obtainable by the elements alone. Complex system का मतलब ये है कि आपके पास ऐसा system which is composed of many components जिसमें बेतहाशा components हैं जो एक दूसरे के साथ भी interact कर सकते हैं और इस तरह के results produce करेंगे कि अगर वो independently वो काम करेंगे तो उस तरह के results उनको नहीं मिलेंगे, यानी उनको एक दूसरे के साथ interact करके ही एक प्रॉपर निज़ाम चलाना पड़ेगा किसी चीज़ का और एक प्रॉपर सिस्टम चलाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद अब आपके पास अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम आपका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है ये किस तरह है इसको हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम अब आपके पास हेल्थ केयर, अगर आप एक हॉस्पिटल की बात करते हो तो मुझे आप में से कोई बच्चा ये बता दे कि आपके एक हॉस्पिटल में कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह तो होती हैं, इसके अलावा एक हॉस्पिटल को मेंटेन करने के लिए आप लोगों के ख्याल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उसको चला रहे होते हैं, जैसे अभी हमने मैनेजमेंट होती है उनकी, हां बिल्कुल मैनेजमेंट, आईटी डिपार्टमेंट भी होता है, अथॉरिटी होती है, अथॉरिटेटिव स्टाफ होता है सारा, सही है, ठीक है। और इसके अलावा जो आप लोगों का इवन अगर आपका जेनिटोरियल स्टाफ है आपका वो भी होता है, ठीक है जी, वो भी आपके सिस्टम का पार्ट है। फिर आपका जो बाकी जो यानी ये तो सारे वो हो गए कि जिन्होंने एक सिस्टम को मेंटेन करना है, ठीक है, उसमें आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है, आप लोगों को वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सिस्टम में वो भी आ जाते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं बीच में, यानी अगर ऊपर से देखें तो सिस्टम एक किसी भी स्पेशली जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी उसमें हर बंदे की हर डिपार्टमेंट की अपनी सिग्निफिकेंस है और इस तरह से उसने काम करना है। उसके बाद ये तो अगर हम डिपार्टमेंटल वाइज स्टार्ट करें तो वो तो सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर सिर्फ आप इन्हीं लोगों को ले लें जिसमें आपके डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, सीनियर फिजिशियंस हो गए हैं, उसके बाद आपके सर्जन्स हैं, फिर आपके डॉक्टर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं, आपके टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आपके नर्सेज हैं, नर्सेज के बाद जो आप लोगों के वार्ड बॉयज़ हैं, यानी जो आप लोगों का सिर्फ एक क्या कहते हैं एक हॉस्पिटल के कमरे का भी जो स्टाफ है ना वो भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहा है, ठीक है जी। और यही चीज़ें जब आप एक बड़े लेवल पर लेके जाते हो यानी आप पूरे एक हॉस्पिटल को देख रहे हो कि हॉस्पिटल कहाँ से चल रहा है और किस तरह से चल रहा है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपके पास के इन सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, अकेले काम नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके काम करेंगे तो फिर ही इनका गुजारा होगा। कॉम्प्लेक्सिटी अगर इंक्रीज होगी तो आपके पास जो है क्या होगा कि कुछ भी गलत होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। जो चीज़ जितनी कॉम्प्लेक्स होगी वो उतना ही आपको तंग करेगी, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जितना बड़ा डिपार्टमेंट होगा, जितने बड़े आपके पास जो क्या कहते हैं गलती करने के चांसेस भी उतने ज़्यादा आप लोगों के पास होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास टू स्कूल ऑफ थॉट है रिगार्डिंग आयाट्रोजेनिक इंजरी। आयाट्रोजेनिक इंजरी क्या होती है, आयाट्रोजेनिक वर्ड का क्या मतलब है मैम, इसका कोई रीजन ही ना बताओ। नहीं, आयाट्रोजेनिक अननोन कॉज नहीं होता, आयाट्रोजेनिक जो है ये बेसिकली वर्ड आपका यूज होता है किसी भी इस तरह की चीज के लिए कि जो या इस तरह का आपका इफेक्ट, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट, कोई भी इंजरी जो आपकी मेडिकल रीजंस की वजह से या किसी ना किसी मेडिकल प्रोसीजर की वजह से कॉज हो, ठीक है।
iatrogenic जो word है उसका ये मतलब है, ये basically इसकी जो exact definition है वो भी इसके कुछ इसी तरह की है कि आपके medical procedure की वजह से, medical mistake की वजह से, ठीक है, या medical treatment की वजह से, किसी drug की वजह से, किसी भी वजह से अगर कोई injury हो रही है, ठीक है, तो वो medical reasons की वजह से होगी, ठीक है. iatrogenic जो word है उसका आपके पास जो literal meaning है वो ये है. और जो आप लोग बात कर रहे थे अभी, एक दो बच्चों ने बोला कि जिसकी अननोन कॉज होती है, तो बेटा वो जो वर्ड होता है वो इडियोपैथिक होता है, ठीक है. इडियोपैथिक जो वर्ड है उसका मतलब जो होता है कि इसकी कोई नोन कॉज नहीं है, अननोन है, या मतलब हमें नहीं पता कि उसकी क्या कॉज है. आयाट्रोजेनिक जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि इस कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम के अलावा वैसे भी कोई भी ऐसा रिजल्ट, कोई भी ऐसा इफेक्ट जो आपके मेडिकल रीजंस की वजह से आए, जिसमें मेडिकल रीजन में आपकी ट्रीटमेंट भी आ सकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आ सकता है, मेडिकल यानी ड्रग के थ्रू ट्रीटमेंट भी आ सकता है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट, उसकी वजह से जो भी इफेक्ट कॉज होगा वो आपका आयाट्रोजेनिक होगा, ठीक है. और यहाँ पे अगर आयाट्रोजेनिक इंजरी की बात हो रही है तो इसका मतलब कि ऐसी इंजरी या ऐसा एक्सीडेंट जो आपका मेडिकल रीजंस की वजह से हो रहा है. अब इसमें आप वो ले सकते हो कि पेशेंट को अगर वो कैनुला इंसर्ट किया तो वहाँ पे उसको जो है इन्फेक्शन हो गई, या कोई भी किसी तरह का आपको इन्फेक्शन कह रही हूँ सॉरी रिएक्शन हो गया, ठीक है. तो इस तरह की जो इंजरी आपके पास आएगी वो आयाट्रोजेनिक इंजरी होगी, ठीक है, यानी मेडिकल रीजन की वजह से उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया. अच्छा, अब आयाट्रोजेनिक इंजरी को देखने के लिए अब आपके पास टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ठीक है जी. अब उसमें से पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि ट्रेडिशनल या पर्सन अप्रोच है, और दूसरा आपके पास क्या है कि सिस्टम अप्रोच, ठीक है जी. कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच में या पर्सन अप्रोच में क्या चीज़ आती है, इसमें आपका एक पुराना कल्चर आता था, ठीक है. पुराना कल्चर था उसमें एक आपका ब्लेमिंग वाला कल्चर आता था. उसमें ये होता था कि अगर किसी बंदे से कोई गलती हो गया तो पहले आप उसको डांटो, ठीक है. आप उसको कहोगे तुमसे काम क्यों नहीं ठीक हुआ, तुम कोशिश करो ताकि तुमसे काम ठीक हो जाए, उसको इस तरह आप कह सकते हो, ठीक है. या फिर ओल्ड कल्चर में ब्लेमिंग आती थी कि अगर किसी बंदे से काम नहीं हुई, अगर एक हम बात करते हैं अगर आपके पास एक सर्जिकल रूम है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो वो एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर दें कि अगर जो सर्जन होगा, जो बड़ा सर्जन होगा, वो तो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेगा, वो कहेगा छोटे की गलती है, छोटा जो है वो अपने से नीचे वाले पर डालेगा कि उसकी गलती है, ठीक है. तो ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी जो पहले इस्तेमाल होती रही थी ये किसी भी तरह के इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है. और जस्ट ट्राई हार्डर, यानी वो आप ये अगले बंदे को ये कह देते कि तुम्हारी गलती है, अब तुम इसको ठीक करो, कोशिश करो, सीखो, इसको खुद ही सही करो, ठीक है, इस तरह की बात होती है. ये ट्राई हार्डर वाली चीज़ वैसी होगी कि जैसे कोई बंदा जो है वो अगर ऑलरेडी डिप्रेशन में होता, आप उसको आगे से ऐसी क्या कहते हैं उसको अपनी ऐसी एडवाइस दो कि नहीं यार तुम परेशान ना हो, या कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो ये वो वाली एडवाइस देने वाली बात हो जाती है कि जस्ट ट्राई हार्डर, ठीक है. हालांकि ऐसा नहीं होता. उसके बाद अब अगली जो चीज़ आती है आपके पास, जो अगला स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास, जो बल्कि लेटेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो है सिस्टम्स अप्रोच, जो हम पहले लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने किस तरह से उन फैक्टर्स को इकट्ठा करना है जिनकी वजह से आयाट्रोजेनिक इंजरीज कॉज हुई, ठीक है. उनको इकट्ठा करें, उनको डिस्कस करें, उनको डिस्कस करने के बाद ऐसे आप सिस्टम बनाएं जिनसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनके इम्प्रूव करने की वजह से जो आपका जो भी आपका आउटकम है वो आपका बेहतर से बेहतर होता जाए, बजाय कि आप ब्लेम गेम करें, दूसरों को आप मशवरे दें कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ऐसे कर लो, वो करने के बजाय आप अपने सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाएं, ठीक है जी. तो यू मे इनकाउंटर बोथ इन योर जर्नी, अगर आपकी जो भी जर्नी होगी, ठीक है, आप लोग कल को क्लिनिकल सेटिंग्स में जाओगे तो आप ये दोनों चीज़ें देखोगे, ठीक है. आप सिस्टम्स अप्रोच भी देखोगे और आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी देखोगे, बल्कि हमारे यहाँ पे तो आप मोस्ट कॉमनली ट्रेडिशनल अप्रोच ही देखोगे. बहुत ही कम जगह है जहाँ पे आपको वाकई एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिलती है देखने. अच्छा जी, पर्सन अप्रोच की आप थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं. या जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें क्या होता था कि सी एन एरर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ केयरलेसनेस, यानी आप किसी भी गलती को इस तरह से देख रहे हो, हमेशा इस तरह से देख रहे हो कि ये किसी ना किसी केयरलेसनेस की वजह से, अगर किसी बंदे से काम हो गया है तो वो उसी की गलती है या उसी की वो नेग्लिजेंस है कि वो काम करना नहीं चाहता था. नर्स है तो वो बस अपना काम छोड़ के वो अपनी सहेलियों से गप्पे मार रही है, वो बैठ के अपने फ़ोन पे नए कपड़े देख रही है, कहीं पे सेल लगी हुई है वो खोल के देख रही है, ठीक है. उसकी वजह से उससे गलतियाँ हो गई थी, वो आपकी केयरलेसनेस में आएंगी या आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच में आती थी. रिमीडियल मेजर्स डायरेक्टेड प्राइमरली एट द एरर मेकर, और इसमें ये क्या होता था कि इस तरह की गलतियों को जब ठीक करने वाली जो बात आती थी तो वो हमेशा उस बंदे के ऊपर आती थी कि तुमने ये गलती की है. अगर नर्स की बात हो रही है तो नर्स को सारे डांट रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे से ही गलती हुई है. डॉक्टर से गलती हुई है तो बंदा डॉक्टर को कह रहा है कि तुमसे ही गलती हुई है. उससे पीछे के जो भी रीजंस थे, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि गलती जो है आपकी जो एरर है वो किसी भी पॉइंट पर हो सकती है, इवन वो आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, उनके पार्ट पे भी गलती हो सकती है और वो आकर आपके ऊपर भी लग सकती है, ठीक है. कि उन्होंने
दवाई गलत पैक कर दी थी, उस पर लेबल गलत लगा दिया था, आपके पास वो गलत आई, आपने वो गलत इंजेक्ट कर दी। यहाँ पे गलती आपकी नहीं है, ठीक है? अगर आप देखा जाए, अगर आपने गलत दवाई इंजेक्ट कर दी थी तो उसमें गलती आपकी नहीं है, आपके पास तो वही थी जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ था। आपने भी, आपके पार्ट पे गलती ये थी कि आपने उस लेबल को कंफर्म नहीं किया, आपने उठा के वो लगा दी। अब यहाँ पे गलती पीछे से आ रही है, लेकिन अगर हम एक पर्सनल अप्रोच को या ट्रेडिशनल अप्रोच को देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी बंदा होगा वो आपको ही ब्लेम करेगा कि तुम्हारी गलती थी कि तुमने दवाई गलत लगा दी, पीछे से नहीं देखेगा कि पीछे भी गलती चल रही थी, ठीक है? तो इस तरह की जो सिनेरियो, जो इस तरह की सिचुएशन है वो आपकी पर्सनल अप्रोच में आती है या आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच में आती है कि जो भी रिमीडियल मेजर्स है दे आर डायरेक्टेड प्राइमरीली एट द एरर मेकर। उसके बाद फिर उनको ठीक करने के लिए जो मेजर्स लिए जाते थे वो भी हमेशा जिस बंदे ने गलती किया उसके ऊपर ही लिए जाते थे। सिस्टम को कोई नहीं देखता था कि हम सिस्टम को इम्प्रूव करें, सिर्फ ये कि जिस बंदे ने गलती किया उसको ठीक करने लग गए। उसकी नेमिंग है, ब्लेमिंग है, शेमिंग है, रिट्रेनिंग है, ठीक है? उसको दोबारा ट्रेन करना शुरू कर देंगे, तुम्हें तो आता कुछ नहीं है, दोबारा ट्रेनिंग लो, ठीक है? ये काम कर दो, नेमिंग एंड शेमिंग वाला काम हो जाए, ब्लेमिंग वाला काम हो जाए। तो ये वाला जो सारा काम था ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच में आता था। फिर आप अगली जो चीज़ आपके पास थी वो आपके पास थी कि एन इंडिविजुअल फेलिंग, यानी अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल जो है वो फेलिंग इंडिविजुअल जो है वो किस टाइम पे होगा, ठीक है? कि डजंट वर्क, जो काम नहीं कर रहा। पीपल डोंट इंटेंड टू कमिट एरर्स, ओनली वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ केसेस आर डेलिब्रेट वायलेशंस। के पीपल जो है, यानी जो लोग हैं, हर बंदा अपनी खुशी से अपनी मर्जी से गलती नहीं करता, ठीक है जी? बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं या चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से या डेलिब्रेटली आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई वायलेशन हो जाती है। आप उसको मिस्टेक भी नहीं कह सकते, वायलेशन हो जाती है, ठीक है? यूजली जो है वो आपके पास एक जो मेजोरिटी है वो हमेशा, हर बंदा, किसी की भी यही ख्वाहिश नहीं होती कि वो कोई इस तरह की, खासतौर पर मेडिकल आपके जो एक सिस्टम है उसमें ऐसी कोई गलती कर दे। इट वॉन्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट विल मेक इट वर्स। अगर जो फेलिंग इंडिविजुअल है वो कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, उसको मजीद खराब करेगा। जो क्लिनिशियंस हैं विल हाइड द एरर, जो क्लिनिशियंस हैं वो क्या करेंगे कि वो उस एरर को छुपाने की कोशिश करेंगे। मे डिस्ट्रॉय मैनी क्लिनिशियंस इनएडवेंटली, यानी आपके इस रीज़न की वजह से कि अगर आप गलतियां छुपाते जाओगे एक दूसरे की भी, अपनी भी, तो इस तरह से जो आपके दूसरे जो क्लिनिशियंस हैं वो भी विक्टिम बनते जाएंगे। तो इस तरह से ये सारा कुछ जो है ये आपका सिस्टम जो है प्रॉपर फेल होता जाएगा अगर आप पर्सनल अप्रोच को अपनाओगे। फिर अगली चीज़ आती है आपके पास, हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, के जो आपका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, ठीक है? तो अब इसमें अब आपके पास देख लो कि मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मेजर इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स आर डेवलप्ड बाय एन इंटीग्रेटेड एक्विजिशन प्रोसेसेस। अब आपके पास इसमें इंटीग्रेटेड एक्विजिशन प्रोसेसेस हैं, ठीक है? उनकी वजह से आपके पास मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम डेवलप हुए। और यहाँ पे अब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे हम लोगों ने पहले बात की, यहाँ पे आपके जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब सिस्टम लेवल की अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो उसमें सिस्टम्स हैं, फिर उसके बाद सब सिस्टम्स हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं, सब कॉम्पोनेंट्स हैं और पार्ट्स हैं। अब नीचे जो है वो इन सब की एक डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है? सिस्टम बेसिकली क्या है, serves as parts of more complex aggregates or super system and perform a significant useful service with only the aid of human operators and a standard infrastructure. Yani aapke paas aisa complex service hai ya useful service hai jo ke aapke paas kaam kari hai apni jo human operators hai unki madad se aur jo aapka ek infrastructure tha uski madad se, theek hai? जैसे कि अब आप लोगों की हाईवेज हैं, फ्यूलिंग स्टेशन हैं, कम्युनिकेशन लाइन हैं, ये सारा जो है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ें आती हैं और ये जाके मिलकर आपका सिस्टम बनाती हैं। सब सिस्टम्स क्या हैं, दे परफॉर्म अ क्लोजली रिलेटेड सबसेट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम फंक्शन, यानी एक जो छोटे छोटे फिर आपके उसके अंदर सब सिस्टम्स आते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनते हैं, वो अपना काम करते हैं। कॉम्पोनेंट्स हैं रेफर्स टू रेंज ऑफ मोस्टली लोअर लेवल मिडल ऑफ अ सिस्टम लेवल, ठीक है? जो कॉम्पोनेंट्स बेसिकली अब आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट वाइज भी डिपार्टमेंटल डिवीजन भी होती है, ठीक है? कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों का ये काम है, इन्होंने ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, इतने लोगों का ये काम है, इन्होंने ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है। कॉम्पोनेट्स आते हैं, फिर पार्ट्स आ जाते हैं। पार्ट्स बेसिकली ये हो जाता है कि दे परफॉर्म इन कॉम्बिनेशन विद अदर पार्ट्स, यानी पार्ट्स बेसिकली आप किसी इंडिविजुअल को भी ले सकते हो कि ये दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके भी जो है वो कॉम्बिनेशन बनाकर भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये एक हायरार्की बनती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, किस तरह से इसमें सिस्टम कॉम्पोनेंट्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब ये है कि हमारे पास जो मिस्टेक्स होती हैं आप उनको इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हो। जी जी कि जो पीछे एक्विजिशन वाला था पॉइंट वो दोबारा बता दें मैम, ये जो इंटीग्रेटेड एक्विजिशन। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स आर डेवलप्ड बाय इंटीग्रेटेड एक्विजिशन प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जितने भी अभी जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की बात की थी कि ये डेवलप किस तरह हुए थे, इनको डेवलप करने का एक प्रोसेस का ये नाम है जिसको इंटीग्रेटेड एक्विजिशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है जी?
इंटीग्रेटेड एक्विजिशन प्रोसेस का क्या मतलब है? ये इस तरह का प्रोसेस है कि जिसमें आपके जो सारे सिस्टम सब सिस्टम कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है जी, इनकी डेवलपमेंट जो है बेसिकली वो आपने किस तरह से करनी है, वो सारे सिस्टम आपस में इंटीग्रेटेड किस तरह से होंगे। अब जैसे अभी हमने बात की कि सिस्टम के बाद सब सिस्टम हैं, फिर कॉम्पोनेंट्स, फिर सब कॉम्पोनेंट्स और फिर पार्ट्स हैं, कि ये सारे आपस में इंटीग्रेट कैसे होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, और उसके बाद वो फिर आपका ही सिस्टम डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास है कि आप इन चीजों को इन्वेस्टिगेट कैसे करें, जो आपकी एरर्स हो जाती हैं आप उनको इन्वेस्टिगेट क्यों करें, ठीक है, व्हाई इन्वेस्टिगेट, द मोर वी अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दीज थिंग्स अकर, जितना ज्यादा हमें समझ आएगा कि चीजें किस तरह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, द मोर वी कैन पुट चेक इन प्लेस टू रिड्यूस अकरेंस, कैरी अकरेंस, कि अगर जितना ज्यादा हम चेक रखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, उतना ही हम चेक रख के और हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, उनको री अकरेंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारे एरर्स हैं वो बार बार रिपीट ना हो। स्ट्रेटजीज में अब आपकी क्या चीज़ आ सकती है, एजुकेशन आ सकती है, न्यू प्रोटोकॉल्स आ सकते हैं, न्यू सिस्टम्स आ सकते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि किस तरह से आप न्यू सिस्टम्स बना सकते हो, न्यू प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हो, और या आप एजुकेट कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो लोगों की, ठीक है, ताकि जो आपकी एरर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं। मल्टीपल फैक्टर्स यूजुअली इन्वॉल्व इन आइट्रोजेनिक इंजरी, आइट्रोजेनिक इंजरी के बीच में जो कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें आपके पेशेंट फैक्टर्स हैं और टेक्नोलॉजी या टूल फैक्टर्स हैं। पेशेंट फैक्टर्स में अब आपके पास क्या चीज़ें आएंगी कि लैंग्वेज बैरियर है, रॉन्ग मेडिकेशन है, अनएबल टू टेक ब्लड सैंपल फ्रॉम इरिटेबल चाइल्ड पेशेंट, ठीक है जी, प्रोवाइडर फैक्टर्स हैं, ओवरवर्क हुआ है या आपका जो प्रोवाइडर है वो इल है, ठीक है जी, टास्क फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपके पास कोई सुपरवाइजर नहीं है, समवन इज नॉट गाइडिंग यू, रिलाइंग ऑन योर ओन मेमोरी, यानी आप एक्सपीरियंस नहीं हो, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं बीच में आ जाते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। अब पेशेंट फैक्टर्स वाली चीज़ हम लोगों ने देख ली कि अगर किन रीजंस की वजह से आप गलती कर सकते हो इस तरह की कि आपके पेशेंट को कोई ना कोई आयोट्रोजेनिक इंजरी हो जाए, यानी कोई ना कोई इंजरी जो है वो मेडिकल रीजंस की वजह से हो जाए, उसमें एक चीज़ आती है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, यानी आपको समझ नहीं आ रही पेशेंट आपको पश्तो बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, ना उसको आपकी समझ आ रही है ना आपको उसकी समझ आ रही है, ठीक है, रॉन्ग मेडिकेशन या गलत मेडिकेशन हो गई है जी। उसके अलावा ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है, पीडियाट्रिक पेशेंट है, आप उसका ब्लड सैंपल नहीं ले सकते, वो इरिटेबल है, वो हिल रहा है, वो चीख रहा है, तो आप उसकी वो नहीं ले सकते, उस वजह से उसको इंजरी हो सकती है, ठीक है, इस तरह के यानी फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व हैं। प्रोवाइडर फैक्टर हैं, ठीक है जी, यानी कि अगर आपकी अपनी बात करें तो आप ओवरवर्क हो, आप इल हो, इसके अलावा ये है कि आपको काम नहीं आता, वो चीज़ें हम लास्ट सेक्शन में डिस्कस की थी, आप इनएक्सपीरियंस हो, आपके पास कोई सुपरवाइजर नहीं था, किसी ने आपको बताया नहीं कि आपने अगर इस तरह का पेशेंट होगा, अगर इस तरह का बच्चा पीडियाट्रिक पेशेंट है, अगर वो आपको ऐसे तंग करे तो आप ये भी कर सकते हो कि आप उसको थोड़ी देर के लिए कोई माइल्ड सा कफ सीरप दे दो कि बच्चा थोड़ी देर के लिए जो है वो स्कूल में चला जाए, नहीं हो, ये बात हम लोगों ने की थी लास्ट लेक्चर में कि अगर कि आपके पास जो है यानी आपके सिस्टम में यानी हमने ब्लड प्रेशर कफ की लास्ट टाइम बात की थी बीपी ऑपरेटर्स की, कि अगर आप एक वार्ड में और हर वार्ड में अगर 10 बेड लगे हुए हैं तो हर बेड का जो बीपी ऑपरेटर्स है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो अगर आप एक के ऊपर ट्रेंड हो सकता है दूसरा से कॉम्प्लेक्स हो तो आप उसके ऊपर आपको पेशेंट का बीपी लेना ना आए, ठीक है, तो यानी आप फेमिलियर नहीं हो किसी भी इक्विपमेंट के साथ। फिर टीम फैक्टर्स हैं, आप एक टीम वर्क में चलना चाहिए आपको लेकिन आप टीम वर्क में आप नहीं चल पा रहे हो, सामने वाले शायद आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि आपको वार्ड जो है वो बहुत बिजी हैं, आपके पास पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ बहुत कम है, अनहाइजेनिक कंडीशन है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं यानी वर्कलोड जो है वो भी इक्वली आपके पास डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, तो ये इस तरह के फैक्टर्स आपके आयोट्रोजेनिक इंजरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्विस चीज मॉडल। जी जी लैंग्वेज बैरियर से एट्रोजेनिक इंजरी इस तरह से हो सकती है कि आपके पेशेंट को जो है आपको समझ नहीं आया कि पेशेंट क्या करवाना चाह रहा था, हो सकता है कि उसका ब्लड सैंपल आपको चाहिए ही ना होता, ठीक है, ये भी तो हो सकता था ना कि आपने उसका ब्लड सैंपल नहीं लेना था या आपने उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करना था जिस तरह से सपोज करो छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, वो आपके पास आया था जी कि उसके पेट में दर्द हो रही है, आप उसको दवाई दे रहे हो, आपको समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा है और आप ही समझ आपने अपनी तरफ से जो भी समझा आपने जी उसको दवाई उठा के दे दी खांसी, ठीक है,
तो उस वजह से भी आपकी दवाई भी गलत होगी, ठीक है। इंजरी तो हुई ना पेशेंट को, इंजरी बेशक चलो आपको नजर नहीं आ रही है कुछ भी है, लेकिन मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो पेशेंट को तो चली गई ना। उसके अलावा ये है कि अगर आप पेशेंट का ब्लड सैंपल नेसेसरी नहीं था, आपको समझ नहीं आया कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, आपने अभी उसका ब्लड सैंपल कह दिया कि इसका जो है ना ब्लड सैंपल करवा लेते हैं, ब्लड सैंपल की वजह से जो है वो अगर जो भी उसको मतलब मसले आएंगे, अगर हो सकता है पेशेंट को नीडल से प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद, ठीक है, तो ये चीज़ भी इवेंचुअली आपके ऊपर ही आएगी कि आपने गलत उसको जो है वो लिख कर दिया था कि अब वो जाके अपना ब्लड सैंपल करा ले, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बन गया आपकी आयाट्रोजेनिक इंजरी। आयाट्रोजेनिक से मुराद जो है इंजरी और कोई भी ऐसा इफेक्ट जो आपके मेडिकल रीजन की वजह से आए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग, मैम ये जो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट था मैम, इससे इसका बता दें। टेक्नोलॉजी और टूल फैक्टर्स वाला पॉइंट ये है, ये असल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि टेक्नोलॉजी से फेमिलियराइज होने से क्या मुराद है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने अभी भी दी कि आप अगर एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक वार्ड में काम कर रहे हो, हर वार्ड के अगर एक वार्ड में अगर आपके पास 10-12 बेड लगे हुए हैं, ठीक है, और उसमें से यही समझ लो कि जो 6 बेड हैं उनके पास, यानी हर बेड का अपना अपना सिस्टम है, उनका बीपी ऑपरेटर्स अपना है, ठीक है, उनके जो पेशेंट मॉनिटर्स हैं वो अपने अपने हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके पास कोई पेशेंट आके किसी ऐसे बेड पे लेट गया जिसका मॉनिटर सिस्टम बिल्कुल नया था, जिसका बीपी ऑपरेटर्स भी बिल्कुल नया था, ठीक है। अभी नया नया डिपार्टमेंट में आया था, डिपार्टमेंट उठा के लगा दिया वार्ड में। अब बाकी जो उसी वार्ड के जो बाकी बेड्स हैं, जो बाकी बेड्स के साथ जो ऑपरेटर्स लगा हुआ था वो आपके पास पुराना वाला था, आप वहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हो, ठीक है, आपके हाथ पे वो चढ़ा हुआ था, आप आराम से मतलब बीपी लेना आपको बड़ा आसान लग रहा था हर चीज़ से। अब जो नई जो चीज़ें आई उसमें जारी बात है जो नए मॉनिटर थे उनके बीच में कुछ फीचर्स ज़्यादा थे, जो नया बीपी ऑपरेटर था वो ऑटोमेटिक था, ठीक है, वो बस आपने मतलब अगर कोई नया बंदा होगा जो सीख रहा होगा उसके लिए तो आसान होगा, आपको क्योंकि आप उसे फेमिलियराइज नहीं थे। अब पेशेंट बेचारा इमरजेंसी में आया और वो आके उस बेड पर लेट गया, ठीक है, तो अब वो आपको कहेंगे कि आप जाके जिस पेशेंट का मॉनिटर्स इसके साथ अटैच कर दें, पेशेंट के वाइटल्स ले लें या पेशेंट का बीपी चेक कर दें, तो आप वहाँ पे जाके उस टाइम ब्लैंक खड़े हो गए, ठीक है। ब्लैंक क्यों खड़े हो गए, क्योंकि आप फेमिलियर नहीं हो सिस्टम के साथ, ठीक है, यानी आप जो इक्विपमेंट है आप उसके साथ फेमिलियर नहीं हो, आपके जो टूल्स हैं आपको उनका नहीं पता कि आपने उनको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीजें ये फैक्टर्स भी हैं, यानी कि वो टूल्स नए थे कंपेयर टू पिछले टूल्स। हाँ जी, वो टूल्स नए थे, ठीक है, यानी आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। इन टूल्स में ये इस तरह के ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, जो यानी ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो भी आ जाते हैं इन टूल्स में। इसके अलावा कोई ऐसी सिरिंजेस, ऐसे आपके पास इंजेक्शन, ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिनको आपको यूज़ करना आना चाहिए, लेकिन आपने अपने आप को फेमिलियराइज नहीं किया उनके साथ, आपने नहीं इस्तेमाल किया। आप सपोज करो आप जैसे इंटर्नशिप पे जा रहे थे तो आपने बस छोड़ दिया कि भाई ठीक है दिखी जाएगी जिस तरह भी है, फिर टाइम गुजार लिया, टाइम पूरा कर लिया, बाद में कल को आपको किसी उसी जगह पे लाके जॉब पे नौकरी पे खड़ा कर दिया कि तुमने आप इस पेशेंट को डील करना है इसी जगह पे, और वो आपको ना करना आया, तो ये भी फिर आपकी गलती में आएगी और आपकी मिस्टेक होगी, तो उसकी वजह से आपके पास जो आयाट्रोजेनिक इंजरी हो जाएगी, यानी पेशेंट को जो है फिर मेडिकल रीजंस की वजह से कोई ना कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है, यानी पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले हो सकता है, तो ये चीज़ भी इंजरी में चली जाएगी ना, कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट टाइम पे मिलना चाहिए था वो डिले हो गया, पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो ये चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी में आ जाती है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। उसके बाद अगला जो आप लोगों के पास था वो स्विस चीज मॉडल था, इसको मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्विस चीज, बल्कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने स्विस चीज मॉडल जो है इसको पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में बताना है कि ये क्या चीज़ है। किसी ने पढ़ा था उस टाइम पे क्या था स्विस चीज, वो मैंने फिर इसलिए छोड़ दिया था कि ये बाद में अगर अगले लेक्चर में चीज़ आ रही है तो ये क्या होता है बताएं। यस मैम, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी इससे स्विस चीज मॉडल से? मैम इसमें ये था कि एरर्स जो होते हैं सिर्फ एक सिंगल एरर से सिस्टम जो है वो कोलैप्स नहीं करता, बल्कि काफ़ी सारे शार्प एंडेड एरर्स जब कंबाइन कर जाते हैं तो उसकी वजह से फिर जो है इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा एडवर्स हो जाते हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफेंस की लेयर्स होती हैं, मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट डिफेंस लेयर्स हैं उसमें हर एक की अलग अलग वीकनेसेस होती हैं, अगर हमारे पास किसी एक लेयर में कोई वीकनेस है भी तो मतलब उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी मतलब पेशेंट पे, कोई इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक हमारे पास सारी लेयर्स मतलब वर्टिकली उसमें से पास ना करें, मतलब अगर हर लेयर में कहीं ना कहीं पर कोई ऐसी वीकनेस आ रही है तो मतलब एक की जगह पर जाकर मतलब वो कोई भी मतलब प्रॉब्लम कॉज करेगी तो उसकी वजह से हमारे पास कोई भी इंजरी कॉज होगी, अगर किसी एक डिफेंस में कोई वीकनेस है उसकी वजह से हमारे पास फौरन से इंजरी कॉज नहीं हो सकती। ठीक है,
अच्छा जी, इसका जो अभी आप लोगों ने बताया वो बिल्कुल सही था, काफी हद तक सही था, ठीक है। ये अब आपके पास रीजन स्विस चीज मॉडल है, रीजन जो था जेम्स रीजन उस बंदे का नाम था जिसने अपना ये मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है। इसमें उसने ये बात की थी, यही वाली जो आप लोगों ने मुझे बताई अभी, कि आप उसने बेसिकली कहा था कि कोई भी सिस्टम, अगर चलो हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर लेते हैं, कि कोई भी जो आपके पास सिस्टम है, ठीक है, वो आपके पास एक, ये समझ लो कि जैसे चीज़ के स्लाइसेस हैं, ठीक है, स्विस चीज़ के स्लाइसेस हैं, इनके बीच में होल्स होते हैं, इस तरह का चीज़, वो आप लोगों ने अगर इसी तरह देखना हो, वो आप टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो स्विस चीज़ आपके पास है, ठीक है, उसमें अब आपके पास क्या है, डिफरेंट तरह के होल्स हैं। अब यही होल्स जो है, ये बेसिकली आपका जो सिस्टम है उसके अंदर की होल्स हैं, उसके अंदर के फ्लॉज हैं, ठीक है, उसके अंदर के मिसहैप्स हैं सारे, ये सारा कुछ है ये आपके सिस्टम का है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक सिस्टम के अंदर अब ये डिफरेंट, अब जो पूरा आपका जो स्लाइस है वो आपके पास बेसिकली ये समझ लो कि बैरियर्स हैं, ठीक है। अगर ये, अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे उन्होंने इसको डिफरेंट जो स्लाइसेस, चार स्लाइसेस लगे हुए, तो चारों को लेवल ऑफ डिफेंस का है, ठीक है। ये जो स्लाइसेस हैं बेसिकली ये आपके लेवल ऑफ डिफेंस है, और इनके बीच में जो होल्स हैं बेसिकली वो आपके सिस्टम के दरमियान में जो गलतियां हैं, जो आपके मिसहैप्स हैं, जो भी होल्स हैं वो हैं, ठीक है। तो वही बात है कि अगर जब ये सारे अलाइन हो जाएंगे तो आपके पास जो है ये होल्स एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपके पास जो है कोई ना कोई गलती आप लोगों से होगी, एक्टिव एरर्स आप लोगों से होंगी, ठीक है। और जब ये आपका जो लेवल ऑफ डिफेंस यानी फेल हो जाएगा, यानी सारी जो आपके होल्स हैं, सारे मिसहैप्स हैं, जब वो कंबाइन हो जाएंगे, उस टाइम पे आपके पास कोई ना कोई पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड कोई ना कोई जो नेगेटिव किस्म का इंसिडेंट है या नेगेटिव किस्म का जो आपका एक्सपीरियंस है वो होगा, ठीक है। अगर आपके लेवल ऑफ डिफेंस ठीक है, आपके डिफरेंट होल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं कर रहे, ठीक है, किसी जगह पे गलती होने वाली थी यहीं पे उसने, यहाँ पे गलती होने वाली थी, यहीं पे आपका जो स्लाइस चीज था, आपका होल उसने यानी कवर कर लिया, ठीक है, गलती एक लेवल ऑफ डिफेंस ने ही कवर कर ली, एरर को उसने वहीं पर रोक लिया, वहां से बात आगे नहीं गई, चलो वहां से आगे चलेगी सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस पे आ गई, सेकंड पे आई है, तो यहाँ पे अब आपके पास जो है वो आपका जो समझो जो आपकी चीज थी, ठीक है, इसने कोशिश पूरी की आपके बैरियर ने कि उस गलती को रोक सके, लेकिन क्या हुआ कि वो नहीं रोक सका, आपका जो मिस्टेक थी वो यहाँ से अब अगले लेवल पे चलेगी, अगला डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया, फिर अगले लेवल पे चलेगी, फिर अगला डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया, तो फिर आपके पास क्या है, इवेंचुअली आपके पास कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट कॉज हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके बैरियर्स हैं बेसिकली, ये आपके जो है वो जो होल्स हैं आपके बैरियर्स के बीच में, ये आपकी सारी समझो कि अनइंटेंडेड वीकनेसेस हैं, ठीक है, वीकनेस है आपके किसी भी सिस्टम की, और ये कॉन्स्टेंट भी हैं, इनकंसिस्टेंट भी हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास कंसिस्टेंट होंगी तो आपके पास जो है वो पेशेंट सेफ्टी के उसके खिलाफ जाने के, या उसके जो आपके पास मिसहैप्स हैं, जो भी आपके पास गलतियाँ हैं, एरर हैं, वो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर ये इनकंसिस्टेंट होंगी तब ठीक है, तब यानी आप चीज़ों को कुछ ना कुछ हद तक कवर कर सकते हो, आपके जो लेवल ऑफ डिफेंस हैं, ठीक है, वो उनको किसी ना किसी हद तक जो है वो रोक सकते, ठीक है। अब लेटेंट कंडीशन था, यानी कि पुअर डिज़ाइन प्रोसीजर्स मैनेजमेंट डिसीजन, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली जहाँ पे लेटेंट कंडीशन में लिखा हुआ है, कि ये बेसिकली वो कंडीशन है जो आपके कोई ना कोई आपके जो एरर्स हैं उनको करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। ये पुअर डिज़ाइन है, प्रोसीजर्स है, पुअर प्रोसीजर्स हैं, पुअर मैनेजमेंट है, या पुअर डिसीजन है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये मॉडल बनाया गया था एक पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, मतलब ये इस मॉडल ने इस चीज़ को जो इंडिविजुअल अप्रोच थी, जो पर्सन अप्रोच या जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उसको ख़त्म किया कि अब हमने पर्सन के ऊपर नहीं रहना, पर्सन बेचारा क्या क्या करेगा, अब आपका सिस्टम है बेसिकली आपने उसको इम्प्रूव करना, और सिस्टम आपका कैसे काम कर रहा है, सिस्टम को सिस्टम का जो मॉडल बेसिकली बनाया गया वो उसको स्विस चीज मॉडल के साथ जो उसको कंपेयर किया गया कि इस तरह एक सिस्टम होता है, इसमें गलतियां भी होती हैं, इसमें लेवल ऑफ डिफेंसेस भी होते हैं, इसमें आपके पास जो है वो आपके वीकनेसेस भी होती हैं, तो आप उन वीकनेसेस को किस तरह से आप ओवरकम करने की कैपेबिलिटी रख सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपका स्विस चीज मॉडल था, ये आप उसी तरीके से वो रीजंस डिफेंस यानी रीजंस जो है वो जेम रीजंस पर्सन का नाम है जिसने ये मॉडल बनाया था। अब उसमें जो है वो पोटेंशियल एडवर्स इवेंट्स जो हैं आप उनको किस तरह से, ये आपके पोटेंशियल एडवर्स इवेंट्स हैं, आप उनके दरमियान में आपने डिफरेंट बैरियर्स लगाए हुए हैं, बैरियर्स के अगर आप नाम देखो तो यानी पॉलिसी राइटिंग है, ट्रेनिंग है, सबसे पहला बैरियर आपका ये है कि आप लोगों को जो अपना सिस्टम है ये आपका पेशेंट है, ठीक है जी। अब आपने किसी भी एरर को यहाँ तक पहुँचने से रोकना है, और यहाँ से रोकने के लिए आपके पास जो ये पीछे आपने चार बैरियर लगाए हुए हैं, अब इन हर बैरियर में से पहला जो बैरियर है वो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आपके जो सिस्टम में जो भी लोग काम कर रहे हैं आप उनकी ट्रेनिंग कराएं, ठीक है जी, अपनी पॉलिसीज अच्छी बनाएं। एक बैरियर फेल होगा, ट्रेनिंग नहीं कराई, अगले बैरियर पे आ जाओ, स्टैंडर्डाइजिंग है और सिंप्लीफाइंग है कि आपके पास स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं था, जैसे अभी हमने बात की कि जो मैंने आप लोगों को टेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल दी कि एक वार्ड में
डिफरेंट बेड्स के ऊपर डिफरेंट बीपी ऑपरेटर्स और डिफरेंट पेशेंट मॉनिटर्स है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम आपके पास होना चाहिए। यानी अगर अगर आपने मॉनिटर चेंज करना है तो फिर आप पूरे वार्ड की चेंज करें ताकि जो भी बंदा आए वो उससे फेमिलियर हो, ठीक है, वो सबको जानता हो। सिंप्लीफाई करें चीज़ों को, ठीक है, बजाय कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें लाने के आप ईजी टू यूज इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने लेकर आएँ, ठीक है। सेकंड बैरियर आपका, आपने ये लगाया हुआ स्टैंडर्डाइजिंग वाला, चलो किसी तरीके से ये भी फेल हो गया, वही जो वो वाली एग्जाम्पल के आपने गलत मॉनिटर था, नया मॉनिटर था, आपको यूज़ नहीं करना है, या चलो ये बैरियर भी आपका गिर गया, ठीक है। उसके बाद ही अगली चीज़ से ऑटोमेशन, क्या आप चीज़ों को ऑटोमेट करना सीखें, ठीक है जी। आपका ये बैरियर जो है ऑटोमेशन वाली चीज़ें भी आपकी बेसिकली टेक्नोलॉजी से ही ज़्यादातर रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा ये कि आप आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हो, चीज़ों को किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, ये चीज़ें आप लोगों से रिलेटेड हैं, ठीक है, यानी पर्सनल इंटरेक्शन से रिलेटेड है। आपका वो भी फेल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो डिवाइसेस की इंप्रूवमेंट्स या आर्किटेक्चर थी, सारे आपके बैरियर गिरते गए, और एंड पे क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एडवर्स इवेंट्स थे वो आके यहाँ पे यूं करके आपके पेशेंट को लग गए, और पेशेंट से रिलेटेड कोई ना कोई आपके पास एरर जो है वो अगर हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो डिफेंस सिस्टम है, ये जो स्विस चीज मॉडल है बेसिकली, वो आपका ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि अब क्लियर हो गया होगा कि स्विस चीज मॉडल क्या है, और उसको अगर हम चीज से हटा के भी देखें तो वो हमें क्या क्या चीजें बता रहा है कि डिफेंसेस आपकी क्या क्या है सिस्टम की, और पेशेंट को आप किस तरह से बचा सकते हैं। मैम ये स्विस चीज मॉडल ही है ना जो रीजन डिफेंस था? हाँ जी, रीजन जो है वो जेम रीजन में बता रही हूँ कि जेम रीजन जो है उस पर्सन का नाम था जिसने ये बनाया था, उसने जो मॉडल को नाम दिया था उसने स्विस चीज मॉडल कहा था, और उसने सारी ये जो है इस तरह से उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। फिर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास ये कि जो डिफेंसेज हैं वो कि आपके सिस्टम में क्या क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है आपके पास ये चीज़ें जो आप उनको कवर कर सकते हो और एडवर्स इवेंट्स को रोक सकते हो, अगर आप इस तरह के डिफेंस लगाओगे तो पेशेंट तक जाने से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनका कोई और लेक्चर तो नहीं स्टार्ट हो गया हुआ, क्योंकि टाइम जो है वो हो गया 1:47 हो गया। मैम 2 बजे स्टार्ट होगा। 2 बजे होगा, चले हम तब तक उसको कम्प्लीट कर लेते हैं, काम से होता है। अगली चीज़ आपके पास आती है हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी HRO। HRO की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? हाई रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? द साइंस ऑफ अचीविंग एफिशिएंट एरर फ्री ऑपरेशन, यानी कि हाई रिलायबिलिटी एक सिस्टम आपका इतना रिलायबल हो कि आप उससे एफिशिएंट और एरर फ्री काम करवा सको, ऑपरेशन अपना कंप्लीट कर सको। हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विद प्रेडिक्टेबल एंड रिपीटेबल सिस्टम इन प्लेस दैट अलाउ फॉर द कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस व्हाइल कैचिंग एंड करेक्टिंग पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक एरर्स, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इस तरह के सिस्टम्स हों जो कि प्रेडिक्टेबल हों, और ऐसे रिपीटेबल सिस्टम्स हों जो कि आपके पास कंटिन्यूसली आपके काम होते जाएं, आपके जो भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करता जाए, ठीक है, और जो भी आपके पास एरर्स होने के चांसेस होंगे उनको वो पकड़ता जाए साथ साथ और उनको जो है वो करेक्ट करता जाए। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसा सिस्टम होगा आपके पास, उसको आप हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें अब आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं कि प्री ऑक्यूपेशन विद फेलियर, ठीक है जी, कमिटमेंट टू रिजिलियंस, सेंसिटिविटी टू ऑपरेशन और अ कल्चर ऑफ सेफ्टी, ये चीज़ें सारी जो है आपके एक हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है HRO जो है उसका पार्ट होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी कल्चर होना चाहिए, ऑपरेशन की जो सेंसिटिविटी से उसको फेमिलियर होना चाहिए, रिजिलियंस से उसकी कमिटमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है जी। और प्री ऑक्यूपेशन विद फेलियर, यानी फेलियर्स के साथ जो प्री ऑक्यूपेशन है वो सिस्टम की मैम, ये HRO की समझ नहीं आई। HRO बेसिकली, सबसे पहले आप चीज देखो कि हाई रिलायबिलिटी जो टर्म है उसका क्या मतलब है। हाई रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास ऐसी साइंस, द साइंस ऑफ अचीविंग एफिशिएंट एरर फ्री ऑपरेशन, के आप ऐसा प्रोसेस कोई बनाओ जिससे आपको जो भी आपने काम करना है वो बिल्कुल एफिशिएंट हो और एरर फ्री हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ जाती है हाई रिलायबिलिटी के अंदर। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सारे काम कर इस तरह से रही हो कि जिसमें जो है वो आपका सिस्टम बहुत एक्यूरेट हो, एरर के चांसेस बहुत कम हो, ठीक है, और जिसमें आपके पास वो कंटिन्यूअसली आपके ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ हो रहा है, और लेकिन ये के साथ साथ वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी है कि वो एरर्स को कैच भी कर रहा है और साथ साथ उनको जो है वो इम्प्रूव भी कर रहा है, तो इस तरह का जो सिस्टम है आपके पास वो आपका हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है मैम। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि कौन कौन सी चीज सही है? नहीं, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन खुद होती है एक हाई, जैसे हमने बात की ना कि हमारे पास हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, तो उसी तरह से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ठीक है, जो कि लेकिन इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए,
बेसिकली ये टर्म यूज हो रही है कि आपके पास इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए. ठीक है, ओके मैम. अच्छा जी, आपके पास बेसिकली थ्योरेटिकल है, इसकी थ्योरी है. ठीक है जी, अब आपके पास HRO थ्योरी यानी हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरी है वो आपके पास क्या बता रही है कि इट शुड मेंटेन अ पावरफुल एंड यूनिफॉर्म कल्चर ऑफ सेफ्टी. कि आपके पास जो सेफ्टी का एक पावरफुल और यूनिफॉर्म कल्चर होना चाहिए, यूज ऑप्टिमल स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर और प्रोसीजर होने चाहिए, इंटेंसिव एंड कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम्स, जो कि आपका जो भी मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं आप सबके, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, इंटेंसिव ट्रेनिंग के साथ जो उनको गाइड करना चाहिए, और कंडक्ट थॉरो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, और एक थॉरो प्रोसीजर्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए सेफ्टी मैनेजमेंट के जो हैं, डिफरेंट टूल्स एंड ट्रेनिंग्स होनी चाहिए. तो ये आपके HRO थ्योरी के बीच में यानी हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरी है उसके अंदर आपकी ये जो प्रिंसिपल है ये उसको फॉलो करना चाहिए. द एयरक्राफ्ट कैरियर द प्रोटोटिपिकल HRO कैरियर्स अचीव नियरली फेलियर फ्री रिकॉर्ड डिस्पाइट मल्टीपल हैजर्ड्स. अब आपके पास क्या है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ठीक है, आपके पास यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, ठीक है, वैसे भी हम लोग का जो एविएशन की फील्ड है और ये सारी जो फील्ड है बेसिकली जो भी ये फ्लाइंग से रिलेटेड फील्ड है, ये बहुत, इसको हम यही कहते हैं कि ये आपके पास बहुत ही हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है क्योंकि इसके सारे सिस्टम्स कैलकुलेटेड होते हैं. आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में तो आप लोगों ने शायद देखा भी हो कि किस तरह से इनके जो सिस्टम्स हैं वो कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं. आप ये जो कंट्रोल टावर्स एक दूसरे के साथ किस तरह से एक कनेक्शन में होते हैं हर टाइम में, ठीक है, कि इस जगह से ये वाला जहाज गुजरा है, उस जगह से वो गुजरा है, आपने यहाँ से, मतलब हर चीज़ इनकी ऑर्गेनाइज्ड होती है विद सेकंड्स विद टाइम्स, इनकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक प्रोटोटाइप है हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की. आपके पास इन्हें एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ी, आपके पास जो है कि आपके जो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम करती है और काम करनी चाहिए. ठीक है जी, तो ये अब आपके पास एग्जाम्पल है. अब हेल्थ केयर कैन लर्न मेनी लेसन्स फ्रॉम HRO. अब हेल्थ केयर सिस्टम और आपकी जो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कैसे हो सकती हैं, हेल्थ केयर जो है वो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या चीज़ें सीख सकता है. तो ये है कि ऑल्दो हेल्थ केयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ केयर जो है वो बाकी इंडस्ट्रीज से डिफरेंट है. यानी ये लोग जो है वो आपके एयरप्लेन नहीं है, ठीक है जी, ना आप लोग जो है वो कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लोग आपके एयरप्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो है वो आप उसे समझ सकते हैं. लेकिन वी कैन लर्न फ्रॉम देयर सक्सेसेस कि व्हाट फैक्टर्स मेक देम वर्क सो वेल. के ऐसे जो HROs हैं, जो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनसे ये चीज़ें सीख सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं वो उनको इस काबिल बना रहे हैं कि अपना काम इतने अच्छे तरीके से करें, इतने एफिशिएंट हैं, और कौन से जो फैक्टर्स हैं उनके फेलियर से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं कि कौन से ऐसे डिजास्टर्स हैं जो इस तरह के जो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी टिपिकली आते हैं, और उनको अवॉइड करने के लिए वो क्या क्या अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपना. ठीक है जी, तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह के लेसन ले सकते हैं. समरी अब आपके पास क्या है इस पूरे टॉपिक की, हेल्थ केयर आपके पास कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसे है, उसमें सिस्टम इन्वॉल्व है, सिस्टम कैसे इन्वॉल्व है, सिस्टम के कॉम्प्लेक्स सिस्टम की हायरार्की आप लोगों को आनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में उसकी डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. When things go wrong, adopting a system approach is far more productive for patient safety than a person approach. यानी जब आपकी चीज़ें गलत होने लगती हैं, जब आपकी आपसे एरर होने लगती हैं, तो सिस्टम अप्रोच इज फार मोर प्रोडक्टिव फॉर पेशेंट सेफ्टी. सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाना, सिस्टम अप्रोच अपनाना पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द पर्सन अप्रोच, जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है जी, ये था जी आपका आज का लेक्चर. आई होप कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ क्लियर हुई होंगी. थ्योरेटिकल सी बातें हैं सारी, काफ़ी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक कॉमन सेंस वाली भी हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं, ठीक है, जो आप लोगों को आनी चाहिए ताकि आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको टर्म्स आनी चाहिए जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं. ठीक है, HRO का पता होना चाहिए क्या है, सिस्टम अप्रोच पता होना चाहिए क्या है. ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो कर लें. मैम वो जो स्विच चीज मॉडल वाला था वो एक दो दोबारा बता दें. अच्छा, एक मिनट. स्विस चीज मॉडल हमारे पास कहाँ गया है? ये रहा जी हमारा स्विस चीज मॉडल. ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपका जो एक सिस्टम है, ठीक है, जैसे अगर आपकी एक हॉस्पिटल है, आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपके पास क्या है कि डिफरेंट लेवल ऑफ डिफेंसेस है. बल्कि आप इस इमेज से समझो तो आपको शायद ज़्यादा समझ आएगी. अब पीछे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एडवर्स इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है,
पोटेंशियल एडवर्स इवेंट्स हैं और उनको रोकने के लिए आपके पास डिफरेंट बैरियर्स लगाए गए हैं, ठीक है जी। उन बैरियर्स के डिफरेंट नाम हैं, यानी डिफरेंट तरीके के, बस ये समझ लो कि आप लोगों ने बैरियर लगाए हैं कि जो आपके एडवर्स इवेंट्स हैं ये आपके पेशेंट तक, जो पेशेंट आपका यहाँ पे है यहाँ तक ये ना पहुँच सके, ठीक है जी। तो जो ये वाली आपकी चीज़ है बेसिकली, ये आपकी ये सारी जो आपका एक मॉडल बनाया गया था, ये बेसिकली आपका एक स्विस चीज़ मॉडल का नाम उसको दिया गया था, जैसे ये है। इसमें भी उसने यही कहा था कि अब आपके पास एक सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफेंस बैरियर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एरर होने के जो चांसेस हैं उनको कम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि आपके पास, और ये जो आपके चीज़ के बीच में जो होल्स हैं बेसिकली, ये आपकी वीकनेसेस हैं आपके सिस्टम के, यानी आपके सिस्टम के फ्लॉज हैं, आपके सिस्टम्स के बीच में ये समझ लो कि ऐसी मतलब एरर्स हैं, गलतियां हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपकी जो पेशेंट सेफ्टी का जो आपका गोल था वो इफेक्ट हो सकता है नेगेटिवली। अब क्या होगा कि अगर आपके पास ये जो बीच में से रेड कलर की लाइन गुजरी है, इसका मतलब ये है कि पीछे आपके पास जो थे आपके पेशेंट आउट वो होने थे एडवर्स रिएक्शन से, पहली डिफेंस लेयर को भी क्रॉस करके, दूसरे लेवल ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस करके, तीसरे को भी, चौथे को भी, ठीक है, यानी सारे होल्स हैं ये, यानी अलाइन हो गए, यानी वो एरर को रोक नहीं सके, और एंड पे क्या हुआ कि एरर आपसे अकर हो गई और इसने आके पेशेंट को इफेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली ये आपके एक सिस्टम का पार्ट है और आपके सिस्टम को बेसिकली एक्सप्लेन कर रही हैं कि आपका सिस्टम किस तरह से एक स्विस चीज़ जो मॉडल है उससे रिजेंबल करता है, ठीक है, और यानी इसमें जो डिफरेंट लेवल ऑफ डिफेंसेज हैं। अब ये आपका काम है, ठीक है, कि आपने उन लेवल ऑफ डिफेंसेज को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब जैसे अगर आप हेल्थ केयर की बात करो तो ये अब आपके डिफरेंट डिफेंसेस होने चाहिए, यानी डिफरेंट आपके सिस्टम्स अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि आपके पास एक रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए सारी चीज़ों की, आपके जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिम्प्लीफाइंग का प्रोसेस होना चाहिए, ऑटोमेशन होनी चाहिए आपके काम में, और इसके अलावा ये है कि जो डिवाइसेज और आर्किटेक्चर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो फिर जाके आपका जो पेशेंट है वो किसी भी एडवर्स इफेक्ट से बच सकता है, ठीक है। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर आपका पेशेंट जो है वो किसी एडवर्स इफेक्ट से बच सकेगा, एडवर्स रिएक्शन से बच सकेगा, ठीक है। ये ऑटोमेशन का क्या मतलब है? ऑटोमेशन से मुराद बेसिकली ये होती है कि आपका जो काम है वो सारा ऑटोमेट हो। ऑटोमेट होने का मतलब ये है कि आप यानी एक सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका काम जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है जी। यानी आपने ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाना है, ठीक है, या ऐसे आप लोगों ने काम करना है कि जैसे अगर दो बंदे एक पेशेंट कि सपोज करो आप एक वार्ड में काम कर रहे हो, आपके पास पेशेंट है, ठीक है, और पेशेंट को जो है वो दो डॉक्टर्स देख रहे हैं एक टाइम पे, एक मॉर्निंग वाला देख रहा है, एक इवनिंग वाला देख रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी नर्स है बीच में वो भी इन्वॉल्व है, वो भी पेशेंट केयर में हेल्प कर रही है, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास आपके टूल्स हैं बीच में, ठीक है, टूल्स जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि आपका बीपी ब्लड प्रेशर मॉनिटर वगैरह ये सारी चीज़ें। अब ये है कि आपका सिस्टम इतना ऑटोमेटेड होना चाहिए, ठीक है, इसमें आप टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करो और आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन को भी इस्तेमाल करो कि आपका जो पेशेंट की डिलीवरी है, पेशेंट केयर की जो डिलीवरी है वो बिल्कुल सही हो, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपर हो, यानी आप सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो और अपना अपना पार्ट प्ले करो, तो आप चीज़ों को इस तरह से ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें यानी आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, इतना से आप एक दूसरे के ऊपर रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से काम करके आप अपना जो सारा इस तरह का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ऑटोमेशन आपकी अपने पर्सन रिलेटेड भी है और ये आपकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी है, ठीक है। ओके मैम, चलें जी, कोई और क्वेश्चन इसमें है? मैम सिस्टम अप्रोच का बता दें। सिस्टम अप्रोच बेसिकली यही थी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि सिस्टम अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि आपने इस तरह की अप्रोच अचीव करनी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आप जो अभी हमने पहले बात की कि आपकी जो वो देखेंगे जो आपके पास जो ट्रेडिशनल या पर्सन अप्रोच थी, ठीक है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये था कि नेमिंग या ब्लेमिंग शेमिंग इस तरह की सारी चीज़ें कि आप अगले बंदे को बता रहे हो कि गलती तुम्हारी है। सिस्टम अप्रोच में क्या था कि आपने उस बंदे को ऊपर नहीं डालना है एक पर्सन के ऊपर कि गलती तुम्हारी है, आपने उन चीज़ों को चेक करना है कि गलती किस वजह से पीछे से हुई, ठीक है। जैसे मैंने अब आप लोगों को फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जाम्पल दी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने लेबलिंग में गलती की है, अब लेबलिंग में भी वहाँ पे कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कई लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे किसी एक पर्सन की जो मिस्टेक थी
अब वो आते आते आप लोगों तक पहुंची, ठीक है, और आपने जब पेशेंट को मेडिसिन इंजेक्ट करनी थी तो आपने भी उसको प्रॉपर चेक नहीं किया और आपने उसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो एक नॉर्मल एक हल्का सा सिनेरियो है। अब ये चीजें ठीक कैसे हो सकती थी, इसका सिस्टम क्या होना चाहिए था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको मेडिसिन बना के दे रही है वो अपने एंड पे भी सारी मेडिसिन की पैकिंग और लेबलिंग चेक करती, ठीक है, कि यही वही वाली मेडिसिन है जिसको हमने लेबल किया, क्या ये वही मेडिसिन है, ठीक है, डिफरेंट उनके पास भी टूल्स होते हैं इस तरह के। उसके बाद क्या हो कि जब वो दवाई आपके हॉस्पिटल में पहुंचे तो जो आपके हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट जो कि क्वालिटी इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसका काम है क्वालिटी मेंटेन करना, वो डिपार्टमेंट भी जो आपके पास जब वो एक दवाइयों का डब्बा आ गया तो वो उसको चेक करें, ठीक है, उसका काम है कि वो उसको देखे, उसके एंड पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वो वहीं पर वो लेबलिंग को पकड़ लेता है कि ये लेबल उसने गलत दिया हुआ था तो वो दवाई ना आप तक पहुंचती, ना आप वो पेशेंट को इंजेक्ट करते, ना पेशेंट को साइड इफेक्ट होता, ठीक है, ऐसे ही होना था ना। अब क्या हुआ कि उस आपका जो क्वालिटी इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट था उसने भी अपना काम नहीं किया, फिर उसके बाद अगले सिस्टम में क्या चीज़ आई कि आपके पास जो ये समझ लो कि जब दवाई आपके पास आई, ठीक है जी, बीच में भी दो चार लोग इन्वॉल्व हैं, सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, अगर ये कि आपको जब मेडिसिन आप लोगों के पास आ गई, अब आपके पास वो आपके समझो कि आपके रूम में वो दवाई रखी हुई है, पेशेंट आया, आपने भी बॉदर नहीं किया, आपने देखा कि बस ठीक है दवाई का नाम लिखा हुआ, लेबल लिखा हुआ, आपने उठा के पेशेंट को लगा दी, आपको मेडिसिन के अपेयरेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए था, थोड़ा बहुत आपको भी उसके पढ़ना चाहिए था, उसको देख लेते, एक दफा कंफर्म कर लेते कि अब ये मेडिसिन वही है जो इस पेशेंट को लगनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये चीजें, यानी अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाओ, यानी बीच में डिफरेंट सिस्टम्स, वर्किंग सिस्टम यानी एफिशिएंट सिस्टम हो, यानी जो मैंने बात की कि ये चेक जो है ये आपका अगर वहीं पर हो जाता आपके फार्मास्यूटिकल लेवल पर ही, उसी कंपनी के लेवल पर ही, तो ये बात आप तक ना पहुंचती, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का सिस्टम डेवलप करना कि वहां पर भी चेक हो, फिर आपके हॉस्पिटल में भी चेक हो, फिर आप खुद भी उसको चेक करो, आप तक पहुंचे पहुंचे भी उसकी चेकिंग हो, उसके बाद वो कोई मेडिसिन जो है वो पेशेंट को इंजेक्ट हो। तो ये वाली जो अप्रोच है बेसिकली, इसकी जो डिजाइनिंग है सारी, ये काम कैसे कैसे होना चाहिए, ये काम आपका सिस्टम्स अप्रोच में आता है, ठीक है। ये आप एक सिस्टम डेवलप करना है, आपने एक रूल बना लेना, ये समझ लो कि आपका जैसे अगर आप लोग एडमिशन लेने भी आते हो या आप लोग कोई भी अपना काम करो तो उसके भी सेट रूल्स हैं कि आप पहले यहाँ जाओ, यहाँ से ये चीजें लो, ये फॉर्म लो, फिर इसको सबमिट करो, फिर उसको दो, फिर उसको दो, फिर इस तरह करके, यानी वो रूल्स आपको होने चाहिए। वैसे तो नहीं है कि बस आप आगे क्लास में बैठ जाओ और आप लोग मैं तो यहाँ पे इनरोल हो गया, मैं तो पढ़ना है, ऐसा तो नहीं, अपने पार्ट पे जो है चेक करें। हाँ, हर कोई अपने पार्ट पे, सिस्टम अप्रोच जो है बेसिकली, अप्रोच से मुराद ये है कि आप डेवलप करना किसी भी चीज को, ठीक है, कि यानी आप ऐसी थिंकिंग अपने लाओ के चीजों को ठीक करने के बारे में सोचो कि अच्छा अगर यहाँ पे ये फ्लॉ आ रहा है, यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको यानी सेट कैसे कर सकते हैं, हम यानी ये पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो तो हम इस चीज को सेट कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी अप्रोच होगी, आपकी थिंकिंग होगी, और फिर इस तरह के सिस्टम जो है वो डेवलप करना वो भी यानी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती। सिस्टमैटिक अप्रोच जो है, ये सिस्टम अप्रोच जो है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती, ये हमेशा इसी अप्रोच को एम्प्लॉय करने के लिए जो है आपके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट जैसे क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट या जो ऐसे हैं कि वो उन सारे फैक्टर्स को देखेंगे, इनको स्टडी करेंगे, फिर उनके निकालेंगे कि इन फैक्टर्स को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, एक प्रॉपर रिजल्ट निकालेंगे, फिर उन फैक्टर्स को निकाल के रिड्यूस करने के तरीके निकाल के उसके बाद जब उनको जो है वो काम में लाया जाता है, फिर जाके आपके पास एक जो प्रॉपर एक सिस्टम बनता है जो विदाउट आपके पास फ्लॉज होता है या विदाउट आपके पास एरर होता है, वो तब जाके आपके पास बनता है। हाँ, जब आपके बाकी सब्जेक्ट फाइनल होंगे उसके साथ ही इनका भी होगा, जो भी डेट है मेरा ख्याल है जून का एंड ही है। मैम हमारा असेसमेंट प्लान शेयर कर दें। जो पेशेंट सेफ्टी का जो सब्जेक्ट है इसका असेसमेंट प्लान एसएच नहीं है, क्योंकि जो वन क्रेडिट आर के सब्जेक्ट्स होते हैं इनके असेसमेंट्स नहीं होती, ठीक है, यानी वेटेड असेसमेंट्स नहीं होती, इनका सिर्फ एक जो है फाइनल एग्जाम ही होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों का क्विज वगैरह नहीं होगा, मैं वैसे कोशिश ये करूंगी कि मैं क्विज ले लूँ, ठीक है, और उसकी जो थोड़ी बहुत वेटेज है उसको मैं फाइनल एग्जाम में इंक्लूड कर लूँ, यानी ये मेरी डिस्क्रिप्शन पर, ये मेरी उसके ऊपर है, ठीक है। तो मैं वैसे कोशिश ये करूंगी कि मैं ले लूँ ताकि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को भी हो जाए, क्योंकि जब तक क्विज नहीं होगा और जब तक सर पे नहीं पड़ेगी तब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो थोड़े बहुत ना, अगर हमारे 5 लेक्चर्स हो जाएंगे तो फिर हम उन 5 लेक्चर्स का जो है वो एक छोटा सा क्विज या कोई भी असेसमेंट छोटी मोटी कर लेंगे, और उसको उसके मार्क्स में कोशिश करूंगी कि मैं फिर फाइनल्स में इंक्लूड करूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम उसकी सेटिंग कर लेंगे।
दस लेक्चर हैं अभी, तीन हो गए हैं, दो बाकी सात पीछे रह गए हैं, और तो हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। सही है जी। चलें जी, अलाफ। मैम इसके फाइनल में एमसीक्यूज ही आएंगे, फाइनल में कोई मतलब कोई क्वेश्चन होगा? नहीं, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू भी तो आपके बच्चे जो आप जितना भी एग्जामिनेशन कमीशन इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि एमसीक्यूज नहीं होने चाहिए, रेसिक्यूज होने चाहिए, तो उस तरह से जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी तरीके से ही होगा। सॉरी मैम, आपने क्या बोला है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने ये बोला है कि जैसे आपका जो एग्जामिनेशन कमीशन इंस्ट्रक्ट करेगा ना कैसे एग्जाम लेने चाहिए फाइनल, तो उस तरह से ही लिए जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कह दिया था कि एमसीक्यूज नहीं होने चाहिए, तो एमसीक्यूज नहीं थे फाइनल्स में ना, तो इस तरह से फिर जैसे वो कहेंगे उस तरह से आपका एग्जाम ले लेंगे इसका। ओके मैम, चलें जी। तो उसको भी फिर हम कंपनसेट कर लेंगे, मेकअप लेक्चर भी रख लेंगे, ठीक है, उससे भी जिन बच्चों की अटेंडेंस रह गई है वो भी कवर हो जाएगी, तो हो जाएगा। चलें जी, एंड करिए मैं लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन होंगे आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।